हेलो हेलो गाइस, आवाज आ रही है? चेक करना प्लीज़। हेलो हेलो, आई होप आई एम ऑडिबल राइट? स्क्रीन भी दिख रही है क्या आपको? चेक कर लो। हेलो हेलो हेलो, हेलो 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 हेलो, यस गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून गाइस, आई होप यू आर एबल टू हियर मी। यस, स्टार्ट करें। प्राप्ति, आवाज आ रही है आपको? ओके चलो, आपका अकाउंट्स का सेशन आज थोड़ा सा जल्दी ख़त्म हो गया था ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज़, एज रोहन सर हैज़ टोल्ड यू। एंड वैसे यूजुअली आते नहीं हैं ऐसे इश्यूज़, बट कभी कभार हो जाता है ड्यू टू लैक ऑफ इंटरनेट या इंटरनेट के बैंडविथ इश्यूज़ की वजह से। बारिश का मौसम भी चल रहा है, कभी सिस्टम का कोई टेक्निकल इशू आ जाता है। सो मोर और लेस ऐसे प्रॉब्लम्स आते नहीं हैं रोज, बट कभी कभार हो जाता है। जैसे कल मेरे केस में हुआ था, 10 मिनट के लिए बीच में अपने को कितना ट्रबल हुआ था इंटरनेट की वजह से मेरी एंड पे। सो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा बहुत ये चीज़ें होती रहती है, कभी हमारी तरफ से हमारी एंड पे, कभी आपकी एंड पे। सो नॉट अ प्रॉब्लम। ओके चलो, आई होप एवरीवन इज प्रेजेंट राइट? कम लोग दिख रहे हैं आज, क्या हो गया? ओके चलो शांतनु, यस, आज हम बेसिक्स भी लेंगे गूगल मीट पे कुछ टाइम बाद। पहले लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं आज का और फिर हम उस पे जाएंगे, ठीक है? चलो थोड़ा सा पीछे जाते हैं, कल हमने क्या क्या किया था उस चीज पे थोड़ा सा जाते हैं। इफ यू रिमेम्बर, येस्टरडे वी सॉ वन एग्जाम्पल, वी सॉ वन स्टोरी। मेरी कंपनी के बारे में हमने बात की थी, इतनी बड़ी कंपनी केसी इंडिया लिमिटेड, उसमें एक एम्प्लॉय था पप्पू, लेट मी नॉट कम टू ईच एंड एवरीथिंग अगेन, जिसके पास सेविंग्स नहीं थे बट उसे शेयर्स इन्वेस्ट करने थे। तो नाउ वॉट टू डू, तो ही वेंट टू नमो बैंक। मोटा भाई से बात की इन्होंने, मोटा भाई को बोला 5 लाख का लोन चाहिए। मोटा भाई ने बोला ठीक है भाई, डील डन, बट तुम मेरे से लोगे कितना? 5 लाख। मुझे दोगे कितना? 7.5 लाख। ये 2.5 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा थे, जो चार्ज किए गए थे, वॉट वॉज दिस? दिस वॉज नथिंग बट द इंटरेस्ट, जिसको हम अमाउंट के टर्म्स में यहाँ पे बोल सकते हैं 50,000 रुपीज़ पर ईयर राइट? ये इंटरेस्ट उन्होंने लिया था। तो यहाँ पे हमने कुछ टर्म्स देखी थी राइट, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, पीरियड एंड अमाउंट। इनके बारे में मैं लिखवा के दे दूंगा आपको कुछ देर बाद राइट। अब पप्पू ने पूछा मोटा भाई को कि भाई इतना इंटरेस्ट तुम क्यों हमें चार्ज कर रहे हो? तो मोटा भाई ने बोला पहली चीज भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट राइट, पहली चीज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दूसरी चीज इन्फ्लेशन, तीसरी चीज लिक्विडिटी प्रेफरेंस, एंड चौथी चीज जो थी आपकी रिस्क फैक्टर। ये चार चीजें हैं जिसकी वजह से मैं आपके पास से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ। वाई? बिकॉज यू आर यूजिंग माई मनी, एंड यही चीज जो है शायद मैं और कोई जगह यूज करता, शायद मैं ज्यादा कमाता राइट। क्विकली रिवाइज करता हूँ ईच एंड एवरी कंसेप्ट को, जो चारों चीजें हमने देखी थी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब द कॉस्ट ऑफ विच, लाइक मतलब आपके पास दो ऑप्शन दिए गए, तो एक ऑप्शन को छोड़कर आप दूसरे ऑप्शन पे जाते हो, तो जो ऑप्शन आपने छोड़ दिया है उसका कॉस्ट आपको कितना लगेगा, यही चीज है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हमने यह एग्जाम्पल देखा था कि एक इंसान है जो सोच रहा है कि इधर आई विल वर्क फॉर 1 आवर एंड अर्न 20 रुपीज, और दूसरा ऑप्शन क्या है उसके पास, 10 रुपए स्पेंड करेगा, 1 घंटा पार्टी में जाएगा। तो अगर वो पहला ऑप्शन चूज करता है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कुछ भी नहीं है, बट अगर वो दूसरा ऑप्शन चूज करता है तो ये 20 रुपए जो आने वाले थे ये तो नहीं आएंगे, बिकॉज उसने काम ही नहीं किया। और ये जो चीज है 10 रुपए, ये तो उसने उल्टा डाल दिया ना, एक्सपेंड कर दिया। सो 20 प्लस 10 30 विल बी दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इन्फ्लेशन में हमने बात की थी कि कोई चीज की वैल्यू, मतलब
अगर मैं राइस की बात करूं यहाँ पे, तो कुछ साल पहले राइस की प्राइस अलग थी, आज अलग है, शायद आज से 2-3 साल बाद अलग हो जाएगी. इन द सेम मैनर एजुकेशन, इन द सेम मैनर मेडिकल थिंग्स ऑल्सो, राइट. नेक्स्ट हमने बात की थी यहाँ पे कि यार लिक्विडिटी प्रेफरेंस, अगर मैं मेरा फोन सेल करता हूँ मार्केट में, क्या ये तुरंत मुझे पैसा दे सकता है? बट एट द सेम टाइम अगर मैं मेरी प्रॉपर्टी की बात करूँ, इमीजिएटली मैं मेरी लैंड एंड बिल्डिंग प्रॉपर्टी नहीं सेल कर सकता, उसको एक प्रोसीजर लगेगा, उसको मिनिमम टाइम लगेगा, राइट और नो? तो यहाँ पे दोनों भी चीजों की अलग अलग थिंग्स होने वाली है, राइट. नेक्स्ट लास्टली वी सॉ दैट अगर मैं लोन देता हूं किसी को, इफ आई एम लेंडिंग मनी एज अ बैंक, एज अ फाइनेंशियल प्रोवाइडर व्हाटसोएवर, तो जो इंसान को मैं लोन दे रहा हूं वो इंसान बैंकरप्ट हो सकता है, वो इंसान इंसॉल्वेंट हो सकता है, रिस्क तो यहां पे रहने ही वाला है. तो इसी रिस्क को, इस रिस्क का प्रीमियम लेने के लिए, मोटा भाई नमो बैंक ही रिस्क ले रहा है ना, तो वही रिस्क के लिए वो इंटरेस्ट चार्ज करता है. ऐसे हमने चार चीजें देखी थी, राइट. सो अगर मैं चारों को समराइज करूं यहाँ पे, तो वाई इंटरेस्ट, नंबर वन वॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, नंबर टू वॉज इन्फ्लेशन कॉस्ट, नंबर थ्री वॉज लिक्विडिटी प्रेफरेंस, एंड नंबर फोर वॉज रिस्क फैक्टर. ठीक है, नोटों की मशीन दिख रही है आपको सामने? हाँ, सबकी आंखें तो उधर ही है, राइट. नोटों की मशीन दिख रही है सबको? हिमांशु, दिस इज फ्री, नॉट अ फ्री कोर्स, दिस इज डेमो ऑफ द होल कोर्स. रेगुलर कोर्स का ही डेमो लेक्चर चल रहा है, दिस इज लेक्चर नंबर 2 टुडे. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से. सब लोग सुन रहे हो ना? आया ना? अरे अटेंडेंस नहीं लगाया तुमने, देख रहे हैं 70 लोग, लाइक है वीडियो पे सिर्फ 5, कहाँ हो बाकी के? मुझे पता कैसे चलेगा तुम लोग देख रहे हो? क्या पता वो 60 लोग जो देख रहे हो वो कहीं साउथ अफ्रीका में बैठ के देख रहे हैं. ठीक है, अटेंडेंस लगाओ फटाफट, चलो. अटेंडेंस लगाओ फटाफट, चलो. सर अगर कोई पैसा देगा ही नहीं तो इंटरेस्ट लाने का क्या फायदा? नहीं, सी ये रेयर केस होता है. अब मुझे एक बात बताओ, आप अगर, यू कैन ट्राई दिस थिंग, आप सिर्फ कॉल करो बजाज फाइनेंस को. बजाज फाइनेंस इज अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. आप बजाज फाइनेंस को कॉल करो, उनको बोलना कि हमें एक फ्रिज लेना है लोन पे, या हमें एक टीवी लेनी है लोन पे, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा? वो आपको पूछेंगे आप टीवी पसंद करो, फाइनल करो, अमाउंट क्या है. चलो मैंने बोल दिया उसको, सपोज 1 लाख की टीवी है, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख की टीवी है, उसको मैंने अमाउंट बता दिया. वो बोलेगा ठीक है, मैं इसके ऊपर कैलकुलेशंस करके आपको सभी चीजें डिटेल में बताता हूँ कि आपने कितना पैसा भरना है, कब तक भरना है, कितना लोन रहेगा, इंटरेस्ट रेट क्या रहने वाला है, और आपने अगर कोई सिक्योरिटी रखनी है प्रोसीजर है ये भी बता दूंगा, राइट. नाउ द क्वेश्चन ओवर हियर इज कि यार ये बंदा जो है, मतलब समझो अगर आप ये चीज ट्राई कर रहे हो, आपको ना दिन में 10 फोन आएंगे, आपको दिन में 10 फोन आएंगे अगर आपका इंस्टॉलमेंट टाइम पे नहीं जाता है. वो आपके घर पे भी आके वसूली कर सकते हैं, राइट. लेट मी टेल यू ऑल्सो गाइज, ऐसा भी होता है कि कई बार आप अगर कोई बिजनेस लोन लेते हो तो आपके बिजनेस में आके, आपके ऑफिस में आके वो सील कर सकते हैं आपकी प्रॉपर्टी को. अगर आपने कोई बड़ा लोन लिया है, या फिर आपने कोई व्हीकल लोन लिया है, फ्रिज टीवी जैसे अपन ने बात की, वो आके वो चीजें लेके जा सकते हैं. ये चीज उनके नाम पे होती है, उनके ओनरशिप पे होती है, बिकॉज हमने एग्रीमेंट की है ना फ्रिज के ऊपर, राइट. नाउ सपोज लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. अरे मेरा फोन नहीं है आज यहाँ पे, ठीक है. लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जांपल. अज्यूमिंग एक फोन है मेरे पास, इस फोन को मैंने लोन पे लेना है, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब इंसान, पता है ना तुमको, राइट. मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे फोन लेना है. मैं चला गया, फोन ले लिया, उसका मुझे लोन वगैरह सब कुछ मिल गया. 1 लाख का फोन है, हर महीने में 10-10 हज़ार रुपये भरूंगा, 1 साल में मेरा लोन क्लियर हो जाएगा, ठीक है. सिंपल चीज है. नाउ लेट मी टेल यू वन सिंपल थिंग ओवर हियर गाइज. सिंपल सी चीज है कि ये फोन जो है ये मैंने उनके साथ एक एग्रीमेंट में हूं कि जब तक मेरा लोन क्लियर नहीं होता तुम्हारा हक है तुम मेरे फोन को लेके जा सकते हो. ये एग्रीमेंट होता है बकायदा, ठीक है. सो जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो इंडिया छोड़ के लंदन यूके वगैरह चले जाते हैं, उनकी बात मत करो, अपनी आम आदमी की बात करो. अपना जीना हराम कर देंगे ये लोग अगर अपन ने उनको टाइम पे पैसा नहीं दिया, टाइम पे रीपेमेंट नहीं दिया, टाइम पे इंटरेस्ट नहीं दिया. तो इस तरीके से चलती है चीजें इंडिया में, जिंदगी के अंदर में, ठीक है. सो इस चीज को आपने समझना है. विशाल आया, आपका डाउट क्लियर है, ठीक है. नेक्स्ट विक्रम पूछ रहा है सर बैंकरप्ट मतलब क्या. बैंकरप्सी या इनसॉल्वेंसी ऐसी पोजीशन है जहां पे आपके पॉकेट्स खाली हो जाते हैं, आपके पास पैसा नहीं होता है कुछ भी देने का, आपके एसेट्स जो है ये कम हो जाते हैं, आपकी लायबिलिटीज बढ़ जाती है. तो आपके पास एसेट ही नहीं है लायबिलिटीज को क्लियर करने के लिए, नॉक ऑफ करने के लिए. सिंपल सी चीज है, इस सिचुएशन को हम बोलते हैं बैंकरप्सी या इनसॉल्वेंसी. तो मैं बैंकरप्ट हो गया मतलब क्या, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कोई भी चीज का पैसा नहीं दे सकता हूं. मैंने अगर किसके पास से लोन लिया मैं उसको पैसा नहीं दे सकता हूं. अगर मैं इनसॉल्वेंट हो गया, इसका मीनिंग भी सेम है, ठीक है. इसके रिलेटेड जो लॉज है, रूल्स है, रेगुलेशन है, आप इंटरमीडिएट फाइनल स्टेज पे लॉ सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हो, राइट. चलो ग्रेट. अरे रबिया थैंक यू सो मच बेटा. यस धनंजय बोलो. अरे क्या हो गया, अटेंडेंस नहीं लगाया तुम लोगों ने? आधे ही लोग दिख रहे हैं यहाँ पे अभी भी.
देर आर ऑलमोस्ट 80 पीपल एंड ओनली 30 हैव मार्क्ड देयर अटेंडेंस. चलो एनी विच वेज, एक क्वेश्चन है आपके लिए, सोच समझ के आंसर देना, सोच समझ के आंसर देना. आपको मैं आज कुछ देना चाहता हूँ, आपको मैं आज कुछ देना चाहता हूँ. अज्यूमिंग टूडे इज 1 अप्रैल, आई एम प्लानिंग टू गिव यू 50 लाख रुपीज, 50 लाख रुपए आज आपको मैं देना चाहता हूं. क्या आप लेना चाहते हो, या फिर दूसरा ऑप्शन सुन लो, हाँ बोलने से पहले सुन लो, या फिर बैच खत्म होते ही 30 सितंबर को आपके अकाउंट में 51 लाख रुपीस डाल दूंगा मैं, 30 सितंबर को 51 लाख रुपीस डाल दूंगा. व्हाट वुड यू प्रेफर, व्हाट वुड यू प्रेफर, बोलो व्हाट वुड यू प्रेफर. आज मैं आपको 50 लाख देने को तैयार हूं, या फिर बैच खत्म होने बाद आपको 51 लाख रुपए देने को मैं तैयार हूं. क्या प्रेफर करोगे आप और क्यों, दोनों भी चीजें, क्या प्रेफर करोगे और क्यों प्रेफर करोगे, प्लीज कमेंट इन दी चैट बॉक्स, गो फॉर इट फास्ट. दोनों प्रेफर करेंगे, अरे नालायकों, मैं दोनों की बात नहीं कर रहा हूं, एक चीज चूज करनी है, एक चीज चूज करनी है. अभी 50 लाख चाहिए या 30 सितंबर को 51 लाख दे दूं. काफी लोग बोल रहे सर आज 50 लाख चाहिए, यश बोल रहा है नहीं सर 51 को चलेगा, कार्तिकेश बोल रहा है 30 सितंबर को चलेगा, ओके 51 लाख भी कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं आज हमें 50 लाख दे दो. क्यों, भरोसा नहीं है तुमको मुझ पे, मैं तुमको दूंगा ना 51 लाख 30 सितंबर को, आज क्यों, अरे 1 लाख का नुकसान क्यों करना है, 1 लाख का नुकसान क्यों करना है, 30 सितंबर को दे दूंगा ना मैं तुम लोगों को 51 लाख रुपीस, क्यों 1 लाख का नुकसान कर रहे हो. शांतनु बोल रहा है 50 लाख इसलिए क्योंकि सितंबर तक उस 50 की वैल्यू शायद 60 लाख हो सकती है. लोकेश बोल रहा है सर आज मिलते तो अच्छा होता, सर भरोसा नहीं आप पे, आप बाद में भाग गए तो. I will prefer with agreement with you at 51 lakhs. Ranju Sharma. Okay. हम मैच पे लगेंगे रे बेशरम लोग, इलीगल चीजें है वो, इन धंधों में मत पड़ो, सीए कर लो ना तुम, करोड़पति बन जाऊंगा यार कभी ना कभी. Manav says because sir 51 lakh is going to happen in future and the same rate of interest I can earn on FD also. तो सर आपके पास से 50 ले लूंगा मैं और आगे जाके मैं खुद 51 कमा लूंगा उसमें से. Okay. खुशल सेज आज लेंगे हम और उसका इंटरेस्ट 30 सितंबर तक ज्यादा होगा, जितना आप दे रहे हो उससे ज्यादा होने वाला है, ऐसा बोल रहा है एक स्टूडेंट. दूसरा स्टूडेंट बोल रहा है सर आज लेंगे हम, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल सकता है ना, अरे तो मैं भी तो इंटरेस्ट दे रहा हूं ना, 50 का 51 करके दूंगा ना, 51 करके दूंगा आप लोगों को, आज की वैल्यू ज्यादा है, विशाल बोल रहा है. ओके ये देखो नालायको, हम पोकर खेलेंगे, अरे जिंदगी के अंदर में क्लास अटेंड करो सीरियसली, पोकर खेलेंगे, ऐसे सपने मत देखा करो, आ जाएंगे पकड़ के लेके जाएंगे तुमको लोग, 50 लाख इन्वेस्ट करेंगे, धनंजय बोल रहा है. अरे तो मैं भी इन्वेस्ट करूंगा ना, मैं इन्वेस्ट करूंगा ऐसे गिन के प्रॉपर कड़क कड़क ताजा गरम गरम नोट्स निकाल के तुमको 51 लाख रुपीस दूंगा मैं 30 सितंबर को. आप जैसे बोलो सर, मैं तो बोलता हूं कि मेरे को 50 लाख दे दो आज. सर 4 मंथ्स में 1 लाख रुपए कैसे जनरेट हो सकते हैं, अरे देखो सिंपल सी चीज है, मैं क्या करूंगा, मैं ये पैसा आपको ना देते हुए मैं अपने बैंक में जाऊंगा, वहां पे फिक्स डिपॉजिट करके रख दूंगा या शेयर मार्केट में डाल दूंगा, तो मुझे 51 लाख मिल जाएंगे, मैं 51 लाख आपको दे दूंगा. अब आपके पास उतना नॉलेज नहीं है ना कि कौन से शेयर में डालना क्या करना, शायद आप 50 का 25 कर दो तो मैं आपको गारंटीड 50 का 51 करके दे दूंगा. मीत शाह बोल रहा है सर काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, यही चीज ना तुम पढ़ाई में डालो. सर आज होमवर्क नहीं हुआ तो एक दिन पहले उसका होमवर्क कर लो ना. सर हम कहीं और इन्वेस्ट करेंगे. ओके. अरे साक्षी प्रॉफिट मेरा कहां होगा, 50 लाख इन्वेस्ट की 51 है एज इट इज तुमको दूंगा मैं एज इट इज. अच्छा एक काम करो, 30 सितंबर क्यों, 31 दिसंबर को 52 लाख ले लेना मेरे पास से, 31 सितंबर को 52 लाख, 31 दिसंबर को 52 लाख लेना मेरे पास से, क्या बोलते हो. सर ये तो हम भी कर सकते हैं ना, 50 की एफडी कर ले. अरे बट आप जिस बैंक में डालोगे शायद वो बैंक आपको सिक्योरिटी ना दे, गारंटी ना दे. मेरा कॉन्टैक्ट है बैंक के साथ, 100% गारंटीड अमाउंट मिलेगा अपने को, क्या बोलते हो. कार्तिक मोदी सेज ड्यू टू द 4 फैक्टर्स दैट यू हैव टॉट, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन्फ्लेशन, उसके बाद क्या देखा अपन ने, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड रिस्क फैक्टर, इन 4 ही रीजंस की वजह से मैं आज प्रेफर करूंगा 50 लाख लेना. बोलो. चलो काफी स्टूडेंट्स समझ गए हैं और अभी तक तो बोल चुके हैं कि सर हम लोग प्रेफर करेंगे आज 50 लाख लेना, हम लोग प्रेफर करेंगे आज 50 लाख लेना, काफी लोग ये चीज बोल रहे हैं. क्या ये सही है, क्या ये सही डिसीजन होगा, हाँ
कि आप आज के डेट पे कितना, आज के डेट पे मेरे पास से कितना लेना चाहोगे, 50 लाख लेना चाहोगे, रादर देन 51 लाख रुपीज। देखो सिंपल सी चीज है बेटा, अगर 50 लाख रुपीज मैं आपको आज देता हूं, इसकी एक्चुअल वैल्यू आज कितनी है, आज के डेट पे इसकी एक्चुअल वैल्यू है 50 लाख रुपीज ओनली। 50 लाख की आज की वैल्यू 50 लाख ही, बिकॉज मैं आज आपको दे रहा हूँ, राइट। या फिर अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मैं 51 लाख रुपीज आफ्टर 6 मंथ्स आपको दे रहा हूँ, आफ्टर 6 मंथ्स अगर मैं आपको देना चाहता हूँ, मुझे बताओ, हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, एग्जैक्टली नहीं, क्वाइट पॉसिबल, डिपेंडिंग अपॉन फैक्टर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा, इसकी वैल्यू शायद 55 लाख्स हो जाए। इसकी वैल्यू उस समय, दैट इज 30 सितंबर को, यानी कि 6 महीने बाद, इसकी वैल्यू शायद 55 लाख्स हो जाए। तो यहाँ पे 50 लाख था और यहाँ पे मैं आपको कितना दे रहा था, 51 लाख्स दे रहा था। इट इज क्वाइट पॉसिबल अगर आप आज मेरे पास से 50 लाख ले लो और खुद से इसको कहीं इन्वेस्ट कर दो, आपको शायद क्वाइट पॉसिबल 6 महीने बाद 51 लाख रुपीज से ज्यादा पैसा मिल जाएंगे। तो मैं क्या करूंगा, अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज कर रहे हो तो इसमें मेरा फायदा है, आपका फायदा नहीं है, राइट। आप तो बोलोगे, देखो एक जमाने में ना हम जब छोटे थे हमको ऐसा लगता था कि नहीं 51 लाख्स इज मोर देन 50 लाख्स, बट ये देखो आपको कब मिल रहा है, यही तो खेल है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, ये देखो कि वो कब मिल रहा है आपको, 50 लाख आज मिल रहे हैं, 51 लाख्स 6 महीने के बाद मिल रहे हैं आपको, दोनों चीजों में फर्क है। 50 लाख आप आज अगर नहीं लेते हो मेरे पास, तो ये 50 लाख मैं कहीं इन्वेस्ट कर दूंगा, शायद उन 50 लाख का मैं 55 लाख बना लूं, शायद उन 50 लाख का मैं 55 लाख बना लूं, 50 में से 55 कर लूं और आपको सिर्फ 51 दूं और बाकी के 4 लाख मेरा प्रॉफिट हो। बट अगर एट द सेम टाइम आप ये 50 लाख ले लेते हो मेरे पास से आज और आप खुद इन्वेस्ट करते हो, तो यही प्रॉफिट जो है ये आप कमा सकते हो, समझ रहे हो बात को। हाँ या ना। अब कुछ लोग बोलेंगे, सर हमें डर लगता है, हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, उसी डर की वजह से तो इस इंसान ने पैसा कमा लिया जो आपको बोल रहा है सेकंड ऑप्शन चूज करो, समझ रहे हो, उसी डर की वजह से उस इंसान ने पैसा कमा लिया, राइट, समझ रहे हो बात को। हाँ या ना। अगर आप वो 50 लाख एज इट इज भी रखते हो FD फिक्स डिपॉजिट बिना रिस्क के, तो भी वो 50 का 51-52 तो होगा ही। गाइस कंसेप्ट क्लियर है सभी लोगों को? हाँ या ना। सभी लोगों को कंसेप्ट क्लियर है यहां तक? एक चीज यहां पर अपने को लिखनी है। अच्छा, यहाँ पे आप अज्यूम कर सकते हो, मतलब अपन अज्यूम कर रहे हैं कि आपको उतना प्रॉफिट मिल गया है, अज्यूम यू इन्वेस्टेड एंड अर्नड द प्रॉफिट। एक सेंटेंस लिखवा रहा हूं, ध्यान देना, बाद में इसको नोट डाउन कर लेना। सिंपल चीज है, जब मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बात करता हूं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की जब मैं बात करता हूं, सिंपल सी चीज है, प्रेजेंट वर्थ ऑफ मनी रिसीव्ड After some time, कितना भी time हो, फिर ये एक दिन हो, एक साल हो, दो साल हो, पांच साल हो, right? Received after some time will obviously be less than the money received today. आप एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो, आप नहीं लिखना चाहो तो ये सेंटेंस आपने कंपलसरी लिखना है। जहां पे कल आपने वाई इंटरेस्ट लिखा था उसी के नीचे ऊपर टाइटल देना टाइम वैल्यू ऑफ मनी और इस चीज को लिख लेना, ये लिखना है, ठीक है। सिंपल सी चीज है, सबको कंसेप्ट समझा है? यस, सबको कंसेप्ट समझा है? शिवांगी मैं रिपीट करूंगा एक बार, पहले इस चीज को लिख लो, इस चीज को लिख लो। जो लोग नए आए हैं अटेंडेंस मार्क कर लो, मुझे 39 लाइक्स दिख रहे हैं और 76 लोग देख रहे हैं वीडियो को, क्या गड़बड़ है, आधे लोग बाहर से आए हैं क्या, ठीक है। फटाफट देख लो और उसके बाद इसको लिख लो, ये लिखना हो तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट पे। समीर वो प्रोसेस हो जाएगा, जितना भी लेक्चर हुआ था ना आज का, प्रोसेस हो जाएगा, रोहन सर का आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विशाल पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ ओपनिंग द बैंक, बात करेंगे बेटा उस बारे में भी, सब्जेक्ट से डायरेक्ट रिलीवेंसी नहीं है अभी इस मोमेंट पे, बट हम उसके बारे में भी जरूर बात करेंगे, डोंट वरी। बीसीके में आपको डिटेल में कवर करवाया जाएगा वो पॉइंट, एट द सेम टाइम मैं यहां भी कवर करवाऊंगा मैथ्स में, डू नॉट वरी, बट नॉट राइट नाउ, अभी हम हमारे सब्जेक्ट पे ध्यान देते हैं, ठीक है विशाल। जिनका यहां तक लिख के हो चुका है, आपने टाइटल देना है टर्म्स यूज्ड, TERMS, टर्म्स यूज्ड, यानी कि कौन से वर्ड्स, कौन से टर्म्स हमने यूज किए हैं, वो हम लिखने वाले हैं अभी। डन हो गया तो कमेंट बॉक्स में डाल दो सर, डन डन आ डन, तो आगे बढ़ने में हेल्प होगी मुझे, अदरवाइज मुझे लगेगा कि आप लिख ही रहे हो। सर गूगल मीट पे जो लेक्चर होगा आज,
बेसिक वाला, वो यूट्यूब पे भी अपलोड होगा क्या? नहीं बेटा, वो लेक्चर जो है, बेसिक वाले जो लेक्चर्स है, ये सिर्फ बेसिक लेक्चर्स हम जब लेने वाले हैं उसी टाइम के लिए अवेलेबल रहेंगे। इसलिए मैंने आपको कहा है कि आप अगर अटेंड करना चाहो तो आ जाना बिंदास, आज अटेंड कर लेना, ठीक है? कोई जेन्यून रीजन हो आप नहीं अटेंड कर पा रहे तो आप मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम करना, मैं आपको बता दूंगा क्या करना है। लेक्चर चलते चलते अगर कोई भी दिक्कत आती है, इंटरनेट का प्रॉब्लम होता है या कुछ, मेरे लेक्चर में, कोई भी टीचर के लेक्चर में, वेट क्या करो, वहां पे ही टीचर आपको अपडेट कर देंगे, राइट? मतलब यूट्यूब पे ही अपडेशन आपको मिल जाएगा कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ठीक है? निखिल गुप्ता पूछ रहा है सर लिंक बता दो, लिंक क्या है आज ज्वाइनिंग करने की? बेटा पहले लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं आज का, ठीक है? स्नेहाशीष, वैसे टाइम 4:15 का था, बिकॉज हम 4 बजे कंप्लीट करने वाले थे हमारा लेक्चर, बट सिंस वी हैव स्टार्टेड अर्ली तो वी विल स्टार्ट हाफ एन आवर अर्ली ओनली। तो ये लेक्चर खत्म होने के 10 मिनट की ब्रेक ले लेंगे, उसके बाद हम बेसिक्स पे जाएंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़े, टाइटल देना टर्म्स यूज्ड, टाइटल देना टर्म्स यूज्ड, टाइटल देना टर्म्स यूज्ड। टाइटल देना टर्म्स यूज्ड। फटाफट से लिखना है, ये चीज बेसिक में की चीज है, राइट? आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि बताओ प्रिंसिपल की मीनिंग क्या होती है, आपको न्यूमेरिकल ही आएगा। मैं बेसिक में ही हूं अभी तक, आपको मैं बेसिक कंसेप्ट ही समझा रहा हूं इंटरेस्ट का, ये वाले ट्रांजेक्शन का, ताकि हमको जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़े, आगे की चीजें पढ़े, वहां पर कोई दिक्कत ना आए हमको, ठीक है? सो दिस इज पार्ट ऑफ आर कंपल्सरी बेसिक्स ओनली, बट आपने लिखना है। टाइटल देना टर्म्स यूज्ड, उसमें नंबर वन प्रिंसिपल, हमने बात की है इन टर्म्स की, राइट? प्रिंसिपल इज नथिंग बट योर इनिशियल वैल्यू। सर ये लिखना जरूरी है क्या? यस बेटा, जरूरी इसलिए है बिकॉज जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे, शायद आपको प्रिंसिपल के जगह इनिशियल वैल्यू वर्ड दिया हो, शायद आपको प्रिंसिपल की जगह बोरोड अमाउंट दिया हो, तो वो अमाउंट एग्जैक्टली क्या करके हमें कंसिडर करना है, ये भी तो हमें समझना चाहिए ना, इसीलिए ये दिखना जरूरी है, ठीक है? फटाफट लिखना, इसको हम कैपिटल पी करके भी बोलते हैं और ये हमेशा होता है इन रुपीज, ये होता है इन रुपीस। नंबर टू, मेरे साथ लिख सकते हो आप, वेट मत करो, मेरे साथ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है आपका? इंटरेस्ट इज नथिंग बट प्राइस पेड टू यूज लेंडर्स मनी। राइटिंग समझ लिया ना मेरी? यस, अच्छी ना राइटिंग, समझ रही है ना सबको, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ चलो, या फिर इसी चीज को, अच्छा ये चीज को कैसे, अपन रुपीज में ही आता है ये भी, आया ना, राइट? रुपीज में ही आता है, इसको हम आई, कैपिटल आई से भी डिनोट करते हैं, इसको हम कैपिटल आई से भी डिनोट करते हैं। नंबर थ्री, इंटरेस्ट देख लिया, बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की। स्मॉल आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ये होता है यूजुअली ईयरली बेसिस पे। मतलब अगर आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो आपने अज्यूम करना है, आपने अज्यूम करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पर ईयर, समझ रहे हो? तो ये हमेशा होता है इन परसेंटेज पर पीरियड, और ये पीरियड जो है ये यूजुअली, अगर आपको क्वेश्चन में दिया नहीं है कि पर क्वार्टर, पर 10 ईयर्स, पर मंथ, पर डे, ऐसा नहीं दिया है, तो ये आपने अज्यूम करना है, ये आपको पर ईयर दिया गया है, या आपको पर एनम, एनम मतलब क्या, एनम मतलब ईयर, या फिर पी डॉट ए मतलब पर एनम। फटाफट से जिनका बाकी है लिख लो। गाइज मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूं, हम इनिशियल लेक्चर्स पे है, हम बेसिक लेक्चर्स पे है, राइट? मेरी स्पीड ज्यादा से ज्यादा स्लो ही होने वाली है, कम से कम पहले 10 से 12 लेक्चर्स के लिए स्पीड बहुत स्लो रखने वाला हूं मैं, बिकॉज मुझे एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से पढ़ाना है। अगर मैं फास्ट जाऊंगा तो स्लो वालों को नहीं समझने आएगा, अगर मैं स्लो जाऊंगा तो फास्ट वालों को तो समझने आने ही वाला है। तो कम से कम स्टार्टिंग में, सी काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 2-2.5-3 सालों से मैथ्स किया ही नहीं है, और वो लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, वो कोर्स अटेंड कर रहे हैं, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मुझे उस स्पीड से जाना है ताकि इन लोगों को भी कंफर्टेबल लगे, राइट? नंबर टू, हम लोग कैलकुलेटर जिंदगी में पहली बार यूज कर रहे हैं, आपने 10th 11th 12th में कैलकुलेटर्स नहीं यूज किए हैं, तो इसके कैलकुलेशन कैलकुलेटर में कैसे होते हैं ये भी हम देखेंगे। तो जब मैं आपको कोई क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करवाऊंगा यहाँ पे, जब मैं सोल्यूशन समझाऊंगा, हम यहाँ पे कुछ देखने वाले हैं, तो इस चीज में एक चीज को ध्यान देना
ना बेटा, मैं स्लो जाऊंगा, मैं फॉर्मूला के हिसाब से जाऊंगा, शॉर्टकट्स पे नहीं जाऊंगा मैं, कम से कम अगले 2-3 दिन तक। एक बार प्रोसेस समझा दिया आपको, n इंटू आर है, उसमें से r निकालना है, कैसे कैलकुलेट करें सर? अच्छा, n लेफ्ट हैंड साइड पे है, इक्वेशन के राइट हैंड साइड पे लेके जाना है, कैसे लेके जाए? ये भी दिक्कतें स्टूडेंट को आती है, स्टूडेंट पूछेगा नहीं शायद। अभी आप सोच रहे होगे मन में कि सर ने हमारी मन की बात छीन ली, ये होता है लिटरली, आई टेल यू, ये लिटरली होता है। बाद में स्टूडेंट 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आके ये क्वेरीज पूछता है। तो मैं अभी से ही आपको यहाँ पे सिंपली ये सब चीजें सिखाऊंगा, तो इसको आप ऐसा मत समझो कि हमने सिलेबस स्टार्ट कर दिया है। मैं जो भी सिखा रहा हूं ये हमारा बेसिक्स, कंपलसरी बेसिक्स का पार्ट है, एट द सेम टाइम हमारा सिलेबस थोड़ा सा आगे बढ़ते जाएगा, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को चूज किया है ताकि सब चीज आपको प्रॉपरली समझ में आ जाए। एक बार हमने स्पीड पकड़ ली, उसके बाद तो फिर फटाफट फटाफट फटाफट, मतलब क्वेश्चन समझाऊंगा, हवे में आपको समझा दूंगा कि हाँ ये ऐसा ऐसा करना है, फिर लिखवा के दे दूंगा और शॉर्टकट भी देखेंगे, और काफी क्वेश्चन हम शॉर्टकट से ही सॉल्व करेंगे आगे जाके, बिकॉज एग्जाम में हमें टाइम की कमी है। तो दोनों तरीकों से चीजें होगी, बस स्टार्टिंग के कुछ दिन जो स्टूडेंट्स बहुत अति होशियार है, अबव एवरेज है, राइट, तो आपने थोड़ा सा कंट्रोल करना है। आपको स्पीड शायद स्लो लग सकती है, बट इसका मतलब ये नहीं है यही स्पीड से पूरा कोर्स होगा। धीरे धीरे एक बार कंफर्टेबल आ गए ना सब लोग, स्पीड बढ़ जाएगी बेटा, बिल्कुल। ये हर क्लास के साथ हर टीचर में होता है, खास करके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में, जैसे मैथमेटिक्स है, ठीक है। शरायु आपके यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हो क्वालिटी, नीचे सेटिंग का बटन है, वहाँ पे 1080 तक आप सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आपके यहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रंजू शर्मा क्या हो गया, आप तो इमोशनल हो गए यार, ठीक है, थैंक यू सो मच बेटा। सर विल यू प्लीज रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट स्मॉल आर इन परसेंटेज में बताया जाता है, पीरियड पर ईयर पर एनम या पी ए, पी डॉट ए डॉट मतलब क्या, पर एनम का शॉर्टकट हो गया ये, ठीक है। चलो क्या बात है जिनसानी जी, सर मैंने आपसे बीसी के बीसीआर और मैथ्स पढ़ाई था यूट्यूब से लास्ट टाइम और मैं नवंबर में पास हो गया, क्या बात है बड़ा, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। आगे अच्छे से करना है, इंटरमीडिएट फाइनल कुछ लगा तो बता देना, बिल्कुल, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर बेटा यहां तक? नंबर फोर लिखना अमाउंट, नंबर फोर अमाउंट, नंबर फोर लिखना अमाउंट। ये अमाउंट को हम कैपिटल आर भी बोलते हैं, इसी को हम एक्यूमुलेटेड बैलेंस भी बोलते हैं। एक्यूमुलेटेड मतलब क्या, जिन लोगों को इंग्लिश आती है एक्यूमुलेटेड मतलब क्या बताओ, एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट मतलब संभाला हुआ, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट भी डाल दिया, इंटरेस्ट भी डाल दिया, दोनों को ऐड कर लिया, एक्यूमुलेट कर लिया, साथ में ला लिया, समझ रहे हो बात को, हाँ ना, राइट। तो वो वाला बैलेंस, यहां सिर्फ बैलेंस भी बोला जाता है इसको, एट द सेम टाइम हम रीपेमेंट कर रहे हैं ना बैंक को, तो इसको रीपेमेंट अमाउंट भी बोलते हैं, कई बार इसको फाइनल वैल्यू भी बोलते हैं, लास्ट वैल्यू फाइनल वैल्यू भी बोलते हैं। ये सिंपली क्या होता है बेटा आपका, ये सिंपली होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। एक स्टूडेंट का पूछना है कि सर ये जो है आर आपने लिखा है, क्या इसको मैं आई भी लिख सकता हूं? जी बेटा आप आई भी लिख सकते हो, इनफैक्ट आपका इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल कई जगह पे आई ही देता है। सो सी बेटा एक चीज बताता हूं आप लोगों को, ध्यान देना सभी लोग, धनंजय भी बाकी के स्टूडेंट्स भी, सभी लोग ध्यान देना, अलग अलग कंसेप्ट को, कंसेप्ट तो सेम होता है, उसको रिप्रेजेंट करना, उसको लिखना, लाइक प्रिंसिपल को कोई पी लिखेगा, कोई ए भी लिख सकता है, कोई अमाउंट को और कुछ लिख देगा, एफ लिख देगा, ये चीजें अलग अलग वेरी हो सकती है, ऑथर टू ऑथर, टीचर टू टीचर, बुक्स टू बुक्स, कोर्स टू कोर्स। शायद इंजीनियरिंग में इसी चीज को अलग वे से डिनोट किया जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सर हमने क्या फॉलो करना, जो हम क्लास में कर रहे उतना फॉलो करो, मैं इन सभी चीजों को कंसिडर करके आपके सामने जो मोस्ट फिजिबल है और जो मोस्ट कॉमन चीज है वो लेके आता हूं मैं, ठीक है। सर मेथड, अगर हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसके 10-15 मेथड, 20 मेथड, 100 मेथड हो सकते हैं, तो जो कम से कम टाइम में प्रॉपर ऑथेंटिकेटेड मेथड हो। कई बार क्या होता है, शॉर्टकट तो अवेलेबल होता है बट हर टाइप का क्वेश्चन उस शॉर्टकट से सॉल्व नहीं होता, तो वहां पे मैं थोड़ा सा लंबा वे लेके जाता हूं कभी कभी, ताकि आपके आंसर में दिक्कत ना जाए। तो ये सब चीजें मैनेज करके आपको दी जाएगी यहाँ पे, आपको बिंदास फॉलो करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको उसके अलावा कोई आदत हो ऑलरेडी कि सर मैं 10th 12th में इस तरीके से सॉल्व करता था, बिंदास करो, कोई दिक्कत नहीं है, अनटिल एंड अनलेस योर वे इज करेक्ट, मेथड इज करेक्ट एंड आंसर इज करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, ठीक है। चलो जमा किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ, करेक्ट, एक्यूमुलेटेड बैलेंस वही बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट, ये चीज क्लियर है। अमाउंट कैसे आता है, अमाउंट आता है इन टर्म्स ऑफ रुपीज अगेन। नंबर फाइव लिखना, नंबर फाइव टाइम पीरियड, या फिर इसको टेन्योर भी बोलते हैं, कोई लोग इसको टेनोर भी बोलते हैं। अब देखो यहां पे ना, वापस इसको मैं अज्यूम करूंगा एन, स्मॉल एन, बट कुछ लोग इसी चीज को अज्यूम करते हैं स्मॉल टी, विच इज फाइन। T stands for time, N stands for number of years या number of periods. तो आप N assume करोगे चलेगा, आप T assume करोगे कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे आपको ठीक लगे आप अज्यूम करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं जो भी फॉलो करने वाला हूं पूरे चैप्टर में, मैं एन फॉलो करने वाला हूं, ठीक है। अदगला नरेश इज आस्किंग सर इज दिस द फर्स्ट चैप्टर? यस बेटा, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। हमने कल से ही हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, हालांकि फर्स्ट चैप्टर में ही मिक्स करके हम बेसिक्स देख रहे हैं, राइट। बेसिक कैलकुलेशंस, कैलकुलेटर कैसे यूज करना है, क्या चीजें होती है, ये सब हम इसी चैप्टर में देख लेने वाले हैं, ठीक है। ये क्या होगा, गलती से भी नंबर ऑफ ईयर्स मत लिखना, ये नंबर ऑफ पीरियड्स होता है और नंबर ऑफ ईयर्स होता है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। जिनका ये बाकी है फटाफट छाप लो, गो फॉर इट फास्ट। कुछ लोग होते हैं क्लास में, स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो छाप खाना बोलता हूं मैं जिनको। सर छाप खाना मतलब क्या? छाप खाना मतलब सिंपली स्पीकिंग, बस सर ने लिख लिया ना, देखना है छापना है बुक में, इतनी बुक बना लेते हैं वो, बट दिमाग में कुछ नहीं होता है। ये चीज बहुत ज्यादा हानिकारक है, बिकॉज एग्जाम के एक महीने पहले आप इतना कंटेंट नहीं पढ़ सकते हो, भले मैंने डिटेल में लिखा के दिया हो, नहीं पढ़ सकता है इंसान, बिकॉज समझा ही नहीं है ना। तो क्लास में समझने पे ज्यादा ध्यान दो, लिखने में सेकेंडरी सेकेंड ध्यान लिखने में देना है, और मैं आपको टाइम दे रहा हूं उतना लिखने के लिए, आपने शायद ये रियलाइज कर लिया होगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट ध्यान दो क्लास में पहले, ठीक है। सबका हो गया तो मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना डन। अरे नहीं गोपाल, चालू है ना लेक्चर, आपके यहाँ इंटरनेट इशू हुआ होगा शायद कुछ। एक पोल क्रिएट किया है मैंने, देखो जरा आया है क्या आपको सामने, मुझे तो नहीं दिख रहा है, हुआ या नहीं पता नहीं। धनंजय थैंक यू सो मच बेटा, आ गया है सामने, 9 लोगों ने आंसर दिया है, 89% सेज यस। ये अच्छी चीज है यार, मस्त यूट्यूब पे पोल डाल दो, मस्त आंसर आ जाएंगे यस और नो या ऐसे टाइप के आंसर्स में। मतलब मैं क्वेश्चन दूंगा आपको तो मैं क्वेश्चन वहां पे डाल सकता हूँ कि अरे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। सर 0.5 एक और बार बता दो, टेन्योर यानी कि आपका टाइम पीरियड, कितने सालों के लिए आप पैसा रख रहे हो? हमारे केस में, मोटा भाई पप्पू के केस में क्या किया था हमने, 5 सालों के लिए पैसा लिया था, तो एन जो था आपका वहां पे 5 ईयर्स था, समझ रहे हो बात को? हाँ या ना, ठीक है, चलो ग्रेट। एंड पोल कर दिया है मैंने, अपने काम करते, एक कंसेप्ट और हमारा समझना बाकी है, उसके बाद हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। एक कंसेप्ट और हमारा समझना बाकी है सर, ये जो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो आप समझा रहे हो, सर थोड़ा थोड़ा समझा, बट सर ये कहाँ यूज होता है? आपने एक एग्जांपल तो दे दिया पप्पू का और मोटा भाई का, नमो बैंक का, जब हम लोन लेने जाते हैं, बट सर इसके अलावा भी तो चीजें होती होंगी ना। तो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है इसके कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, आओ एक एक करके एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन मतलब कहाँ यूज होता है ये कंसेप्ट, कहाँ यूज होते हैं ये वाले कैलकुलेशंस, कहां यूज होते हैं। नंबर वन, पहली चीज, स्टॉक और बॉन्ड के कैलकुलेशंस में। सर ये क्या चीज हुई, स्टॉक? हाँ, स्टॉक मतलब आपका शेयर, शेयर जब हम बोलते हैं, शेयर मार्केट में आप कोई कंपनी में जाते हो और इन्वेस्ट करते हो, आपने किसी इंडिया लिमिटेड के शेयर्स परचेस किए, ये शेयर्स की वैल्यू क्या है, मुझे क्या लग रही है ऐसा कंपनी जो मैं बता रहा हूं आपको, और आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हो कैसे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी यूज करके। तो अगर शेयर की वैल्यू आज एक है, कल एक थी, परसों एक होगी, ये पूरे कैलकुलेशंस को कंपैरिजन करना और बनाना, यही है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का काम। सो स्टॉक के कैलकुलेशंस करना, स्टॉक यानी कि शेयर आपका, या फिर बॉन्ड। सर बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है शेयर जैसे ही, जो प्राइवेट कंपनीज भी इशू करती है और गवर्नमेंट भी इशू कर सकता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, टू कलेक्ट मनी फ्रॉम पीपल एंड देन पे देम बैक आफ्टर द वर्क इज डन। तो बॉन्ड के वैल्यूएशंस भी कैसे होते हैं वो भी यहां पे किया जाता है पूरी तरीके से। नंबर टू, अगर मैं बात करूं सिंपली स्पीकिंग लोन रिलेटेड कैलकुलेशंस, जो हमने एग्जांपल देख लिया है ऑलरेडी, राइट। अगर मुझे लोन किसे देना है, इफ आई एम दी लेंडर और इफ आई एम दी बोरोवर, अगर मुझे लोन लेना है किसी से, दोनों के केसेस में किसको कितना क्या फायदा हो रहा है, इंटरेस्ट वगैरह एक्सेट्रा, ये सभी कैलकुलेशंस टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट से किए जा सकते हैं, राइट। मैं जस्ट समझा रहा हूं आपको कि यार सिर्फ सीए फाउंडेशन में सिलेबस का टॉपिक है इसलिए पढ़ना है, नहीं, हमारी स्किल डेवलप हो, और ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो कंसेप्ट है ये पूरे मैथ्स में ऐसा इकलौता एक चैप्टर है जिसका वेटेज 15 मार्क से भी ऊपर है। एट द सेम टाइम यही कंसेप्ट आपको पूरे इंटरमीडिएट में और पूरे फाइनल में काम आने वाला है।
काफी चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली काम नहीं आते हैं इंटरमीडिएट में, फाइनल में. फाउंडेशन हो गया कि उनका यूज कंप्लीट हो जाता है, वो आगे नहीं बढ़ते हैं. बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऐसा चैप्टर है जिसका वेटेज भी फाउंडेशन में ज्यादा है, प्रैक्टिकल रिलीवेंस भी है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलीवेंस है, और इंटर और फाइनल यानी कि सीए कोर्स में भी बहुत ज्यादा रिलीवेंट है. कौन सा? टाइम वैल्यू ऑफ मनी चैप्टर. इसके लिए आपने, मैं इसके लिए पहला ही चैप्टर ये उठाया हूं ताकि आपको अच्छे से डिटेल में सब समझने आ जाए. ठीक है, लोन रिलेटेड कैलकुलेशन हो सकता है. कैन आई से क्या हो रहा है सामने? कोई चेक हम डिपॉजिट कर रहे हैं, तो अमाउंट अगर मैं डिपॉजिट करता हूं, बैंक कैसे चलती है, हमने बैंक कैसे चलती है ये भी कल देखा था. कल के लेक्चर में हमने बैंक किस तरीके से काम करती है ये भी हमने देखा था. किस तरीके से मैं जा रहा हूं बैंक में पैसा डालने, मुझे मेरा पैसा बैंक में रखना है, बैंक मुझे इंटरेस्ट देगी, कहां से इनकम लाएगी बैंक? बैंक वही पैसा और किसी को, पप्पू को जाके लोन देगी. पप्पू उसके पास इंटरेस्ट पे करेगा, उस इंटरेस्ट में से थोड़ा पैसा खुद के पास रखेगी, थोड़ा पैसा मुझे दे देगी. राइट, तो डिपॉजिट करते समय भी ये कैलकुलेशंस काम में आते हैं. ठीक है, डिपॉजिट करते समय भी ये कैलकुलेशंस काम में आते हैं. एक और कंसेप्ट है जिसका नाम है कैपिटल बजटिंग. कैपिटल बजटिंग ये चैप्टर आपको डिटेल में कवर करवा जाएगा इंटरमीडिएट लेवल पे भी. बट लेट मी टेल यू गाइस, लेट मी टेल यू कैपिटल बजटिंग होता क्या है. यस, एनीवन इन द लाइव स्टूडेंट्स जो अटेंड कर रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल बजटिंग? एनीवन फ्रॉम द लाइव स्टूडेंट्स, कैपिटल बजटिंग की मीनिंग क्या होती है, किसको पता है? इमेज भी दिया है मैंने यहां पे, आपको शायद समझने आ जाएगा. बोलो. No one? Sonia says no idea. Okay. What about others? Capital create करना. Okay. Financial capital में working और fixed का proportion निकालना. ठीक है, ठीक है. और लोग, और कोई नहीं पता है. Country का budget. Okay. Comparing between loans and debentures. बैलेंसिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर. ओके, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कलेक्शन ऑफ कैपिटल, जमा पूंजी का चर्चा. ओके, नहीं नहीं सुनो, ध्यान दो, शायद आप में से किसी को भी पता नहीं है. कैपिटल बजटिंग की मीनिंग समझाता हूं. फॉर एग्जाम्पल, मुझे मेरी फैक्ट्री है, मेरी फैक्ट्री है, कुछ मैन्युफैक्चर होता है वहां पर, मुझे मेरी फैक्ट्री में एक मशीन परचेस करनी है, मुझे मेरी फैक्ट्री में एक मशीन परचेस करनी है. अब मेरे मशीन जो मुझे परचेस करनी है, ये मुझे 2 साल तक ही काम देगी. 2 साल बाद मुझे शायद ये कंपनी को बंद करना है, फैक्ट्री को बंद करना है. अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो मैं इस जो मशीन है इस मशीन को मैं परचेस कर लूं, खुद पैसा देके, एज अ ओनर पैसा देके ओनर बन जाऊं मैं इस मशीन का, या फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन है कि एक काम करते, 2 साल के लिए चाहिए ना, रेंट पे ले लेते हैं, रेंट पे मशीन को ले लेते हैं. नाउ हाउ विल यू फाइंड आउट कि आपको ऑप्शन नंबर 1 मशीन को खरीद लेना या ऑप्शन नंबर 2 मशीन को रेंट पे लेना, दोनों में से किस में ज्यादा फायदा होता है? देखो, ऐसा नहीं कि मशीन परचेस कर ली, ऐसा नहीं है. अगर आपने मशीन परचेस किया है तो उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा, उसका खर्चा भी जाएगा. तो आउटफ्लो क्या क्या जाता है? आउटफ्लो में आपका जो जाता है, पहला है आपका कॉस्ट, एक्चुअल आउटफ्लो ऑफ द मशीन. सेकेंड चीज, रिकरिंग कॉस्ट, रिकरिंग एक्सपेंडिचर, मेंटेनेंस, रिपेयर, बहुत सारी चीजें आती है. ऑप्शन नंबर 2 जो है रेंट पे, आपको क्या करना है, आपका आउटफ्लो क्या है, रेंट जाएगी, वही आउटफ्लो है. अब हम क्या करेंगे, मुझे बताओ, अगर आपने परचेस किया मशीन, तो आज आप 1 अप्रैल 2025 को मशीन परचेस कर रहे हो. नंबर टू, ऑप्शन नंबर 2 क्या है, आज 1 अप्रैल 2025 से लेके आप अगले 24 महीने तक, 24 मंथ्स तक यू आर पेइंग द रेंट. सो फॉर ईच ईयर द रेंट स्पीड, फॉर ईच मंथ द रेंट स्पीड. आज जो मैं 10,000 की रेंट दूंगा, इसकी वैल्यू अलग होगी. कल जो 1 महीने बाद मैं रेंट दूंगा, उसकी वैल्यू शायद अलग होगी. परसों जो मैं रेंट की वैल्यू दूंगा, उसकी वैल्यू शायद अलग होगी. तो इन सभी वैल्यूज का मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा. तो आज के डेट पे मुझे ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 दोनों को कंपेयर करना है. कंपेयर करने बाद जिसमें मुझे ज्यादा फायदा हो रहा है, उस चीज को मुझे चूज करना है. इसी को हम बोलते हैं कैपिटल बजटिंग. तो जो कंपेरिजन का प्रोसेस है, ये कंपेयर करना यानी कि कैपिटल बजटिंग करना. समझ रहे हो? हाँ या ना? यश ने, ये डिपेंड करता है ना, यश बोल रहा है सर रेंट पे ले दो, 2 साल के लिए ही चाहिए. तो डिपेंड करता है ना, अगर मुझे ओनरशिप करने में यानी कि परचेस करने में फायदा हो रहा है रेंट से ज्यादा, तो मैं वो प्रिफर करूंगा. ठीक है, सो इसी चीज को हम कैपिटल बजटिंग बोलते हैं. आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड द पॉइंट. ठीक है, आई होप एवरीवन हैज अंडरस्टूड द पॉइंट. कंसेप्ट क्लियर है? हाँ या ना? नेक्स्ट, टू फोरकास्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. देखो, कोविड आ गया, कुछ लोगों को फायदा हुआ, कुछ लोगों को नुकसान हुआ. जरूरी नहीं है हर इंसान को नुकसान हो या हर इंसान को फायदा हुआ. फार्मास्यूटिकल कंपनीज प्रॉफिट हुआ,
हॉस्पिटल्स प्रॉफिट हुआ, डॉक्टर्स प्रॉफिट हुआ, राइट। जो लोग डिजिटल चले गए, ऑनलाइन यूट्यूबर्स बन गए, फायदा हुआ, राइट। तो ऐसे कई सारे इंडस्ट्रीज है जिनमें काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ है कोविड की वजह से, या कुछ इंडस्ट्रीज है जिनमें प्रॉफिट नहीं भी हुआ, लॉस हो गया है, कुछ तो डूब गए, कुछ निकल गए मार्केट में से। तो एज एन इन्वेस्टर, अगर मेरे पास पैसा पड़ा है और ये पैसा मैं कंपनीज में डाल रहा हूँ, तो कोविड के पहले जो पैसा मैंने कंपनी में डाला और कोविड के बाद जो मैं पैसा डालूंगा, ये डिफर कर सकता है। तो मेरा जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है कि गोल्ड परचेस करूं, प्रॉपर्टी परचेस करूं, या क्या करूं एग्जैक्टली, ये चीज मुझे समझना जरूरी है। इन चीजों में मुझे हेल्प करेगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो गोल्ड में पैसा डालूं, इंटरनेशनल कंपनीज में पैसा डालूं, फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा डालूं, म्यूचुअल फंड में डालूं, इंडिया के कंपनीज के शेयर परचेस करूं, या कैश परचेस करूं, जो भी है, मतलब कैश ही रख दूं एज इट इज, ये सभी चीजें कैसे डिसाइड करनी है, ये हेल्प करेगा मुझे टाइम वैल्यू ऑफ मनी। धनंजय, रिवाइज करूंगा मैं पूरा कंटेंट, डू नॉट वरी। आई गेस आप पिछला वाला पॉइंट पूछ रहे थे, ये वाला पॉइंट, राइट। कैपिटल बजटिंग सिंपली मींस अगर मुझे कोई एसेट परचेस करना है तो उस एसेट के पूरे एनालिसिस मुझे करने हैं, कितने ऑप्शंस अवेलेबल है मुझे परचेस करने के लिए, सभी ऑप्शंस मुझे यू कैन से एनालाइज करने हैं, और उसके बाद मुझे एक लेवल पे आके पहुंचना है। तो बेसिकली आप बजट को एनालाइज कर रहे हो, समझ रहे हो बात को, हाँ है ना, राइट। चलो रिपीट कर लिया मैंने वो वाला पॉइंट। इसके अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सिंकिंग फंड, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ सिंकिंग फंड। अगर आप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते हो, अगर आप कोई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में रहते हो, तो वहां पे आप मेंटेनेंस देते हो हर महीने का। अगर आप उसकी रिसिट चेक करोगे, अगर आप एक सोसाइटी में रहते हो, तो वो रिसिट में ना मेंटेनेंस भी आएगा और सिंकिंग फंड भी आएगा। यानी कि क्या, हर मेंबर जो होता है सोसाइटी का, हर फ्लैट होल्डर, बंगलो ओनर जो भी होता है, जितने भी ओनर्स होते हैं, जितने भी यूनिट्स होते हैं, ये सभी लोग क्या करते हैं, एक सर्टन अमाउंट एवरी मंथ कंट्रीब्यूट करते हैं एक फंड में जो सोसाइटी ने क्रिएट किया होता है। इमरजेंसी में कभी बिल्डिंग खराब हो गई, कुछ हो गया, ये पैसा कैसे काम आएगा, वहां पे काम आएगा। एट दी सेम टाइम समझो, एज एन इंडिविजुअल मुझे अगर ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे एक साल बाद कुछ पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो मैंने कुछ रिजर्व बनाना सोचा। ये रिजर्व क्या है, ये प्रोविजन क्या है, इसी को हम सिंकिंग फंड बोलते हैं। तो सिंकिंग फंड के कैलकुलेशंस भी हमारे सिलेबस में है, हम देखने वाले, उसके लिए भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी काम में आता है। एट द सेम टाइम रिकवरी रिलेटेड वर्किंग्स, यानी कि वसूली, वसूली करना, जो वसूली के कंपनीज, रिकवरी कंपनीज होती है बकायदा, रिकवरी करके देने वाले एजेंट्स होते हैं बकायदा। तो जो बैंक होती है जो लोन देती है, अगर समझो हमने बैंक को लोन वापस नहीं किया, 2 महीने रुकेंगी बैंक, 3 महीने रुकेंगी, 6 महीने रुकेंगी, हमको नोटिस भेज देंगी, सब करेंगी, फिर वसूली भाई को बुलाएंगे, वसूली भाई को बोलेंगे भाई इसने पैसा नहीं दिया, जाओ फटाफट इसको वसूल करके ला जाओ, वो जाएंगे वसूल करके लेके आ जाएंगे, वो अपना कमीशन ले लेंगे, बैंक को अपना पैसा मिल जाएगा, समझ रहे हो बात को, हाँ है ना। तो रिकवरी रिलेटेड वर्किंग्स में भी ये काम आता है, ठीक है। सर एप्लीकेशंस ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है क्या, प्रैक्टिकल आएगा, थ्योरेटिकल आने के चांसेस बहुत कम है। हाउएवर आपको जब नोट्स मिल जाएंगे उसमें ये पूरी चीजें लिखी हुई है, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर, यहां तक कोई डाउट है, हाँ है ना, फटाफट बताओ कोई डाउट है तो, कोई डाउट है तो फटाफट बताओ। कोई डाउट है तो फटाफट बताओ। सिंकिंग फंड मतलब एक रिजर्व बनाना है जहां से हम पैसा कभी भी आगे यूज कर सकते हैं। तो हम कंट्रीब्यूट करके सभी लोग उस फंड में पैसा डालेंगे, जहां पे जब भी जरूरी रहा वो पैसा हम यूज करेंगे, निकालेंगे, ठीक है। इज कैपिटल बजटिंग एन एप्लीकेशन, ये कैपिटल बजटिंग करना मतलब उसमें ये चीज काम आती है, वो एप्लीकेशन ही हुआ ना, वो एप्लीकेशन ही हुआ। आई होप यहां तक चीज क्लियर है, ठीक है। चलो सर एक बार फिर से रिवाइज करवा दो पूरा शॉर्टली। एक काम करते हैं स्नेशिश, एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन पे जाते हैं आगे, मैं आज का सेशन खत्म करने के पहले पूरी चीज रिवाइज करवाऊंगा, उस टाइम पे देख लेना, ठीक है, डन। इमीडिएटली फिर से उस पे नहीं जाता हूं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अभी मैं फिर से बैकवर्ड जाके एक बार रिवाइज करवा दूंगा आपको, डू नॉट वरी अबाउट इट। चलो एक क्वेश्चन लिखना बेटा, एक क्वेश्चन लिखना, आपका नोटबुक निकाल लो, नोटबुक में क्वेश्चन लिखना। अच्छा एक क्वेश्चन मुझे कल आया था एक स्टूडेंट का, सर आप जब पढ़ा रहे हो तब हमने जो लिखना है ये हम क्लास वर्क की बुक में लिखेंगे, राइट। तो जब आप बोलते हो समरी बुक प्रिपेयर करनी है, वो हम क्लास में ही प्रिपेयर कर ले क्या, नहीं,
मैं आके देखूंगा वहां पे, ऐसा नहीं करना है। आपने क्लास में क्लास की बुक में लिखना है, उसमें से आपने देख के समरी बुक बाद में बनानी है। तो आपने समरी बुक 2 या 3 दिन बाद बनानी है लेक्चर खत्म होने के, या फिर पूरा वीक खत्म होने बाद जब संडे को आपने मुझे सबमिट करना है उसके 1 दिन पहले बनानी है। ये जो संडे आएगा अभी, आई गेस 4th या 5th of July, नहीं आज क्या 2nd 3rd 4th of July, 4th of July को मैं समरी बुक चेक नहीं करूंगा बिकॉज अभी तक ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं है, राइट। मैं आपका नेक्स्ट जो संडे आएगा उस संडे को मैं चेक करूंगा आपका समरी बुक, तब मुझे आज से लेकर तब तक का समरी बुक पूरा प्रिपेयर चाहिए, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर बेटा, हाँ या ना, फटाफट बताओ। नहीं हाँ या ना क्या, हाँ या हाँ, हाँ ही बोलना है, करना ही है तुमको ये, ठीक है। कल का प्रॉमिस याद है ना बेटा, सब लोगों ने प्रॉमिस डाला था कल चैट बॉक्स में, याद है क्या? नहीं हाँ बोलो, चलो ग्रेट। क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, 60 में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा इससे पहले, क्वेश्चन लिखवाने के पहले, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग शरयू, उसके बारे में फिर से बताऊंगा, डू नॉट वरी। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग गाइस बिफोर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन। जब इनिशियल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लाइक पहली बार हम कोई कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट को समझने के टाइम पे मैं आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा पहला वाला। उसके बाद देखो कैसा होता है ना, यूजुअली लेट मी टेल यू, मुझे आप लोग ही बताओ, दो चीजें हम कर सकते हैं। एक चीज, मैं आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दे दूं, उनको सॉल्व करवा के दे दूं क्लास में, राइट, उसको सॉल्व करवा के दे दूं क्लास में, और वो चीज को आप यहां पे देख लोगे, लिख लोगे, समझ लोगे, सब कुछ हो जाएगा। एग्जाम में कोई नया क्वेश्चन आया तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। हमने ये वाला मेथड फॉलो करना चाहिए, या हमने ये वाला मेथड फॉलो करना चाहिए जहां पे हम हमारे माइंड को ऐसा ट्रेन कर ले कि कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए हमारे सामने, हमने उसको सॉल्व करते आना चाहिए। क्या लगता है आपको, ऑप्शन वन या ऑप्शन टू? वन या टू, फटाफट डालो, क्या लगता है आप लोगों को, ऑप्शन वन जाना चाहिए या ऑप्शन टू जाना चाहिए, बोलो। ऑप्शन वन ओनली सिलेक्टेड क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, या ऑप्शन टू आपको एनी टाइप का क्वेश्चन आना चाहिए? आप ही से पूछ रहा हूं मैं। अगर 90% लोग बोलते ऑप्शन वन, तो मेरा तो काम आसान हो गया, मेरा तो काम आसान हो गया फिर। हर कुछ लोग बोल रहे ऑप्शन वन, आरजे जोन, ओके ओके। समरी बुक बताता हूं, मैं बताता हूं, ओके चलो ध्यान देना। मैं आपको सेकंड टाइप का मेथड क्यों बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है जो भी हम पढ़ेंगे उसी में से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। कोई भी टीचर आपको दुनिया भर का फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल ये नहीं बता सकता एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आएगा। हाँ अपने एनालिसिस एक टीचर जरूर शेयर कर सकता है कि मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आने चाहिए बिकॉज पिछले 10 साल के पेपर ये चीज बात कर रहे हैं, पॉसिबल है। मैं किसी दिन आपको पेपर कैसे बनता है और कैसे चेक होता है इंस्टीट्यूट का, इसके बारे में भी बताऊंगा ताकि आपको आइडिया आ जाएगी। मैं यूजुअली बताता हूँ ये क्लास में, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, जितना प्रोसेस मुझे अच्छे से पता है जो करेक्ट है वो मैं आपको बता दूंगा, आपको आइडिया आ जाएगी मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ। अब एग्जाम में कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, मैं एज अ टीचर ये चाहता हूँ हमेशा, एंड एज अ स्टूडेंट मैं खुद के लिए ये चाहता हूँ हमेशा कि यार जब टीचर पढ़ा रहा है ना, तो टीचर ऐसा पढ़ाए ताकि मुझे अगर कोई भी टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन दिख जाए मैं उसे सॉल्व कर पाऊँ पूरी तरीके से, नहीं एटलीस्ट मैं समझ पाऊं क्या है, किस तरीके से स्टार्ट करना है, करते करते मुझे आ जाएगा। बट अगर आप ऐसा सोचोगे कि नहीं जितना क्वेश्चन सर करवा रहे बस मैं छाप खाना, सर ने करवा लेना आंसर, हाँ समझ गए चलो लिख लेते हैं, काम नहीं आएगा। अगर आप खुद का दिमाग नहीं चलाओगे तो आप सेकेंड मेथड को नहीं यूज कर पाओगे। तो मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, कुछ क्वेश्चन स्टार्टिंग के तो मुझे ही करवाने पड़ेंगे बिकॉज आपको पता ही नहीं कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको काफी क्वेश्चंस में क्लास में प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसका मतलब ये नहीं है मैं छोड़ दूंगा कि यार ये कर लो, ये वाला कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, नहीं, आप सॉल्व करोगे, आपको टाइम दूंगा, उसके बाद वही क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और हम यहां डिस्कस करेंगे और फिर ही हम आगे बढ़ेंगे। तो जब आपको डाउट आएगा ना कि सर ने तो मेरे को बता दिया ये सॉल्व ऐसे करना है, तो फटाफट कर लोगे, बट जब आप बोलोगे कि नहीं मुझे खुद से देखना है कैसे सॉल्व करना है, तो यू विल गो बैक, टर्न योर पेजेस,
सी वॉट ऑल वी हैव सीन, और उसके बेसिस पे आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे, वो हमें चाहिए, क्योंकि एग्जाम में तो ये बुक भी नहीं रहेगी देखने के लिए। तो हर क्वेश्चन आपको ऐसे अज्यूम करना है कि आज हम एग्जाम में बैठे हुए हैं और एग्जाम में हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ये आपने अज्यूम करना है और उसी अजम्पशन के बेसिस पे सॉल्व करना है। काफी बार क्या होता है एज अ स्टूडेंट हमारे माइंड में ये चीज आती है, चलो ठीक है ना आज नहीं मन कर रहा है, सर जो बताएंगे हम छाप लेंगे, कल देखेंगे, तो ये कल कभी नहीं आता, समझ रहे हो बात को, राइट? और एट द सेम टाइम अगर आपने वो टाइम यूटिलाइज किया और खुद से करके देखा, भले नहीं है ना कोई दिक्कत नहीं, गलत आंसर है, सब के सब आंसर्स गलत है तो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी चलेगा, बट एटलीस्ट यू विल लर्न व्हाट हाउ टू प्रोसेस एंड हाउ टू स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। ठीक है, एक क्वेश्चन देता हूं आपको ट्राई करने के लिए। प्रिंसिपल अमाउंट है मेरे पास 2000 रुपीज का, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, एन है 2 ईयर्स। कैलकुलेट, नंबर वन कैलकुलेट अ सिंपल इंटरेस्ट एंड नंबर टू कैलकुलेट अमाउंट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर फॉर्मूला यूज करें? नहीं, आपको जो दिमाग में आ रहा है अभी तक आप यूज करो, हमने मोटा बाइक एग्जांपल देखा है बस उसके बेसिस पे आप यूज करो, कोशिश करो, जमा नहीं जमा मैं बैठा हूं, पहला ही क्वेश्चन है सब्जेक्ट का, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, पहले आप कोशिश करो, गो फॉर इट फास्ट, कोशिश करो, बताओ क्या होगा इस केस में, व्हाट शुड बी द आंसर। अरे गांव वालों पहले इंटरेस्ट का अमाउंट बताओ, उसके बाद जाओ अमाउंट पे, इंटरेस्ट कितना आएगा पहले वो बताओ, उसके बाद जाना सिंपल इंटरेस्ट पे। क्रांति भाई क्या हाल, पढ़ाई करो, पेपर सॉल्व करो, कुछ ही दिन बाकी है एग्जाम को, चलो बताओ मुझे, बताओ अगर मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ये 2000 रुपए है मेरे, इस पे कितना 6% इंटरेस्ट है इनटू 2 ईयर्स है, कैलकुलेटर लेना है सबने, आई होप आपके पास कैलकुलेटर आ गया होगा अभी, राइट? आपने ले लिया होगा कैलकुलेटर, लेना है सबने, क्या करना है 2000 कैलकुलेटर लेना है सबने, 2000 टाइप करना है इनटू कितना, इनटू 6, और 6 के बाद यहां पे परसेंटेज का सिंबल है, आपने 6% कर लेना है, 120 आ गया, इनटू करना है, इनटू 2 प्रेस करना है, इक्वल टू प्रेस कर लो 2 फॉर सबको, इतनी चीज आ रही है सबको, हाँ या ना, इतनी चीज आ रही है सबको, तो ये आ गया आपका 240 रुपीज, ये क्या है आपका इंटरेस्ट है। नंबर टू मुझे बताओ जो अमाउंट है, क्या मैं इसको बोल सकता हूं प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, Yes, मतलब अमाउंट मुझे फाइनल एक्यूमुलेटर बैलेंस कितना देना है, पहली चीज जो मैंने लिया था वो देना है, दूसरी चीज उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया हुआ है वो देना है, तो ये प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट दोनों भी यहां पे आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे बेटा, प्रिंसिपल भी आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट भी आ जाएगा, दोनों चीजें दूंगा ना वापस दोनों भी चीजें दूंगा मैं, एक चीज तो नहीं दूंगा, दोनों भी चीजें वापस दूंगा, तो मेरा फाइनल अमाउंट कितना होगा, मेरा फाइनल अमाउंट दोनों भी होगा, प्रिंसिपल भी होगा, इंटरेस्ट भी होगा, ठीक है, अभी बफर नहीं करेगा, कनेक्शन ये हो गया था बीच में, अभी बफर नहीं करेगा, देख लो, कंसेप्ट क्लियर है, हाँ या ना, सर बस इतनी ही चीज थी सिंपल इंटरेस्ट के लिए, यस सर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं बहुत रेयरली, ये बस एक फाउंडेशन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, कंसेप्ट क्लियर है, हाँ या ना, इसका फॉर्मूला बता देता हूं अभी आपको, देखो फॉर्मूला बताना क्या, फॉर्मूला आपने बना भी लिया होगा अभी तक, ये क्या है आपका पी है, ये क्या है आर है, ये क्या है एन है, क्या मैं बोल सकता हूं सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है पी इंटू एन इंटू आर, यस। अब इसमें एक फंडा है, ध्यान देना, फंडा ये है कि आपका जो आर है रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये है परसेंटेज की टर्म्स में, परसेंटेज मतलब क्या, परसेंटेज मतलब क्या, अगर एग्जाम में आपको 550 में से 420 मार्क्स मिले हैं, इसका मतलब आपका परसेंटेज कितना है, आप क्या करोगे, आपको 420 डिवाइड बाय 550 करना है, राइट, पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा,
इनटू 100 करते हो आप, उसके बाद आपको आता है 76.36%। मतलब मैंने क्या किया, दिस इनटू 100 कर लिया मैंने, तब जाके मुझे परसेंटेज आया। समझ रहे हो, 420 मेरे मार्क्स है, 550 टोटल मार्क्स है, तो दोनों को डिवाइड कर लिया, 0.7636 कुछ तो भी आएगा, इसको इनटू 100 किया तब मुझे परसेंटेज मिल गया। मतलब या तो इस चीज को मैं लिख सकता हूं 0.7636 और इसी चीज को मैं लिख सकता हूं 76.36%। क्या यहां पे मैं परसेंटेज डाल सकता हूं? नहीं। यहां पे परसेंटेज डाल सकता हूं? हां। मतलब अगर ये चीज मैं लिखता हूं तो ये परसेंटेज के फॉर्म में नहीं है और ये चीज परसेंटेज के फॉर्म में है। अब उल्टा, अगर ये चीज है इसको मुझे डेसिमल्स में लिखना है, परसेंटेज निकालना है, ये जो परसेंटेज साइन है यहाँ पे, इस साइन को निकालना है। मतलब 76.36 को डिवाइड बाय 100 करूंगा मैं, मतलब 0.7636 आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? उल्टा, एग्जैक्ट उल्टा कर लिया मैंने, राइट। तो अगर आर जो है, आर आपको परसेंटेज में दिया हुआ है, ये जो आर है अगर आपको परसेंटेज में दिया हुआ है तो आपने उसको डिवाइड बाय 100 करके लिखना है। अगर आर आपको परसेंटेज में दिया हुआ है तो आपने डिवाइड बाय 100 करके लिखना है। समझ रहे हो? तो इफ इट इज 6% आप क्या लिखोगे उसको, 0.06 डिवाइड बाय 100। ठीक है, आगे जब हम कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करेंगे ना, ये लॉजिक आपको बहुत हेल्प करेगा। जिसको परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते नहीं पता है, लिख लो, बेसिक का पार्ट है, गो फॉर इट फास्ट। गो फॉर इट फास्ट। अरे हो गया क्या? हाँ या ना? यहां तक चीज क्लियर है? यस और नो? आजा अमाउंट पे। अब मुझे बताओ अमाउंट के केस में हमने क्या किया, अमाउंट इज इक्वल टू माय प्रिंसिपल प्लस माय इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल तो ये आ गया, इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, पी इंटू एन इंटू आर। मुझे बताओ क्या यहां पे भी पी और यहां पे भी पी, दोनों में भी पी है, क्या मैं पी को कॉमन निकाल सकता हूं ब्रैकेट के बाहर? दूसरा बेसिक कंसेप्ट, कॉमन चीजें कैसे निकालनी है, मतलब ये अपन टाइम वैल्यू ऑफ मनी देख ही रहे हैं, बट उसके साथ मैं बेसिक भी बता रहा हूं आपको कि कॉमन चीजें कैसे बाहर निकालनी है, रादर देन गिविंग यू सम अदर एग्जांपल, मैं यहीं पे बता रहा हूं आपको। वो ध्यान देना, यहां पे भी पी है, ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है, राइट, ये मल्टीप्लीकेशन में है और ये भी मल्टीप्लीकेशन में है, वन इंटू पी है ये सिर्फ पी नहीं है, ये वन इंटू पी है, ये वेरिएबल है, इसका जो कोएफिशिएंट होता है, सर वेरिएबल कोएफिशिएंट बेसिक में समझाऊंगा, बेसिक में समझाऊंगा, डोंट वरी। वेरिएबल मतलब एनी वर्ड लाइक एक्स ए बी सी डी ई एफ जी, जिसको कोई वैल्यू दी जा सकती है, और कोई अगर नंबर में लिखता हूं, ये जो है अभी समझो ये वेरिएबल है, राइट, लिखना मत, 2 मिनट ध्यान देना सिर्फ, ये वेरिएबल है आपका, एक्स इज योर वेरिएबल, ठीक है, एक्स इज योर वेरिएबल। टू क्या है, टू इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट मतलब क्या, जो कभी चेंज नहीं होता, टू चेंज होगा क्या, टू चेंज नहीं होगा, टू तो टू ही रहने वाला है ना, एक्स चेंज हो सकता है क्या, हाँ, x की वैल्यू कभी 1 रह सकती है, x की वैल्यू कभी 2 रह सकती है, x की वैल्यू कभी 3 रह सकती है, x की वैल्यू कभी 4 रह सकती है, बट 2 की वैल्यू तो 2 ही रहने वाली है, तो ये कांस्टेंट है। बट कई बार आपने ऐसी चीज देखी होंगी 2x 4x, अब इसमें से ये जो है आपका ये वेरिएबल है और ये जो है ये कांस्टेंट है, बट ये कांस्टेंट वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। ये जो कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है, जब कांस्टेंट वेरिएबल के साथ जुड़ के आता है उसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। और जब मैं लिखता हूं सिर्फ x, इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 इंटू x, एक ही बार x, यहां मतलब 2 बार x हो गया, तो x का जो भी वेरिएबल जो भी वैल्यू लेगा, जो वेरी हो सकता है, इसलिए तो वो वेरिएबल है, राइट, उसके साथ 2 ने हमें मल्टीप्लाई करना है। समझ रहे हो बात को? हाँ यार ना, ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है, वेरिएबल कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट, और जो पूरी चीज है लाइक 2x, ये हो जाता है आपका टर्म, ये होता है आपका टर्म, जो हम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये जो करते हैं, ये होते हैं आपके ऑपरेटर्स, ये होते हैं आपके ऑपरेटर्स। समझ रहे हो बात को? हाँ या ना?
चीज क्लियर है? यस इसी में एक और चीज आपको बता देता हूं, जब हम बोलते हैं ये यानी कि इक्वल टू, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे भी हम कुछ लिख सकते हैं जो होगा हमारा LHS, राइट हैंड साइड पे भी हम कुछ लिखेंगे जो होगा हमारा RHS, ठीक है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इनइक्वालिटी, मतलब ग्रेटर देन, ये क्या होगा इनइक्वालिटी, इक्वल नहीं है इनइक्वल है, कोई ग्रेटर है कोई लेस है, राइट। तो ये लेस देन हो गया, ये ग्रेटर देन हो गया, यहाँ ये लेस देन इक्वल टू हो गया, ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, ये सब क्या है इनइक्वालिटीज है, ये क्या है इक्वालिटी है, ये क्या है इनइक्वालिटीज है। लेफ्ट साइड पे लिखा LHS, राइट साइड पे लिखा RHS, ये क्या है ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स को कैसे ऑपरेट करना है बॉडमास फॉर्मूला से, बॉडमास फॉर्मूला क्या है आज बेसिक में देखेंगे। 2x अगर मैं लिखता हूं, ये क्या है टर्म है मेरी, 2x प्लस 1 लिखता हूं तो 2x एक टर्म है प्लस 1 दूसरी टर्म है, राइट। यहां पे x क्या आ गया वेरिएबल आ गया, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट आता है, उसको क्या बोलते हैं कोएफिशिएंट बोलते हैं, मतलब उतने टाइम्स दी वेरिएबल, और अकेला कांस्टेंट आता है तो वो कांस्टेंट ही होता है बिकॉज उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। मानव ये आप फॉर्मूला में डायरेक्टली आर डिवाइड बाय 100 कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। कंसेप्ट क्लियर है, इसमें से कुछ लिखना है तो छाप लो, गो फॉर इट फास्ट, इसमें से कुछ लिखना है तो छाप लो। श्रद्धा रजिस्ट्रेशन से ईमेल आला है का तुला, किंवा CDS चा ईमेल का अजून नाही आलाय, लक्षात ठेवा ईमेलवर। जो लोग बोलेंगे सर क्या बोल रहे हो आप, अरे मैंने मराठी में यहाँ की लोकल लैंग्वेज में कुछ कम्युनिकेट किया एक स्टूडेंट को, आपके लिए कोई बात नहीं है। जो स्टूडेंट्स को यहां पे R की जगह R डिवाइडेड बाय 100 लिखना है फॉर्मूला में, बिंदास लिख लो, ठीक है। अरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है, टेलीग्राम जो चैनल बनवाया है ना उस पर आप मैसेज नहीं कर सकते फिलहाल, उसको ओपन किया जाएगा आपके लिए अभी नहीं, 10 तारीख तक आप रुक जाओ। आपको कुछ मैसेज करना है आप प्राइवेट मैसेज करो ना कोई भी फैकल्टी को, कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्मेशन मेल नहीं आया है ना, आएगा 7 डेज में आ जाता है यूजुअली, ठीक है। ये फॉर्मूला क्लियर है, अब इस फॉर्मूला में मैंने क्या कर लिया, मैंने यहाँ पे पी को कॉमन निकाल दिया। स्नेहाशीष मुझे याद दिलाना, आपको वो रिवाइज भी करवाना है पूरा, प्लस एट द सेम टाइम समरी बुक का भी मुझे बताना है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ एंड में, लेक्चर खत्म होने के पहले याद दिलाना मुझे। सो मैंने क्या कर लिया यहाँ पे, यहाँ पे भी पी है, यहाँ पे भी पी है, ये अलग टर्म में है, ये अलग टर्म में है, यहाँ पे मैंने पी ले लिया कॉमन। अब पी कॉमन ले लिया मैंने, तो जो पहले जगह है ये मैं 1 लिख दूंगा, मतलब 1 टाइम्स पी लेना है मुझे, दूसरी जगह एन आर डाल दूंगा मैं, क्यों, क्योंकि पी तो हमने बाहर ले लिया। ये मल्टीप्लिकेशन में है, पी को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे क्या बचा, पी मैंने बाहर निकाल दिया ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा यहाँ पे, एन और आर, एन और आर को लिख दिया, प्लस एज इट इज प्लस आएगा, यहाँ पे पी को मैंने बाहर निकाल दिया, बचा क्या 1, तो 1 प्लस एन आर, मतलब अमाउंट इज इक्वल टू पी प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस एन आर, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। जो लोगों को ये फॉर्मूला भी याद नहीं होती आप ऐसे याद कर सकते हो कि हमें कुछ पीना है इंटरेस्ट, मतलब अमाउंट, राइट। अमाउंट की जब हम बात करते हैं तो अमाउंट में जो प्रिंसिपल होता है वो इंटरेस्ट को पी लेता है, अपने आप में ऐड कर लेता है और फिर बताता है, तो हमें पीना है 1 प्लस अनार, अनार राइट, एन आर, अनार 1 प्लस फोन पता है आपको, 1 प्लस एन आर, ठीक है। मतलब जस्ट एक फनी एग्जाम्पल जिसे आप याद कर सकते हो, वैसे याद करने जैसा कुछ है नहीं, आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर ही सकते हो। एट द सेम टाइम मुझे बताओ आप क्या यहां पे ऐसा बोल सकते हो, इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यस, मतलब डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस जहां पे जो यूज करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला 1 हो गया, ये फॉर्मूला 2 हो गया, ये फॉर्मूला 3 हो गया, ये फॉर्मूला 4 हो गया, राइट। इसको अगर याद कैसे करना है, पीना है क्या, पीना है 1 प्लस अनार, खत्म, राइट। आपको मेनली ये फॉर्मूला ही यूज होगा, जिसको याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेटर शॉर्टकट, अमाउंट इंटू परसेंटेज इंटू नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। चलो फटाफट से इसको छाप लो, जिनका बाकी है हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो लिख लो फटाफट। वीडियो वेंचर बता, थैंक यू सो मच, खुशी हुई मुझे ये जान के, आपका नाम भी बता दो सर। ये सब फाइनल में काम आता है क्या? यस, सिर्फ फाइनल में ही नहीं, इंटरमीडिएट में भी काम आता है, और सिर्फ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में भी नहीं, थ्योरेटिकल में भी इसकी चीजें काम आती है। हालांकि प्रैक्टिकली जब आप आर्टिकलशिप करोगे या CA बन जाओगे उसके बाद तो ये बहुत ज्यादा काम आएगा,
ये ऐसा, मैं वो आपको वही बोल रहा हूँ ना अभिषेक, ये इकलौता चैप्टर ऐसा है जो पूरी तरीके से 100% काम आता है हर जगह पे, 100%। बाकी के चैप्टर्स में से कुछ कुछ चीजें काम आती है, कुछ कुछ बस सिलेबस का पार्ट है, ऐसी भी चीजें हैं, बट ये जो है ये 100% काम आता है, 100%। सर फॉर्मूला नंबर 4 समझा दो। अरे देखो हमने क्या किया, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, बस उसी को यहाँ पे उल्टा कर दो। इंटरेस्ट क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इसको हमने सिर्फ रीअरेंज किया है, राइट, इसको हमने सिर्फ रीअरेंज किया है। अच्छा रीअरेंज कैसे करना है, ये भी एक बेसिक चीज है, राइट, फॉर्मूला को रीअरेंज या टर्म्स को रीअरेंज कैसे करना है, ये भी एक बेसिक में की चीज है, समझाता हूँ। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पता है, अब ये आपका इक्वल टू साइन है, इसके लेफ्ट साइड पे एलएचएस में कुछ है, इसके राइट साइड में आरएचएस में कुछ है, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे समझना है कि ये जो इंटरेस्ट है ना ये वाला, इसका फॉर्मूला बनाना है इसके टर्म्स में। तो इंटरेस्ट एज इट इज मैंने लिख लिया, अज्यूम करो इंटरेस्ट उसी जगह पे है, अज्यूम करो इंटरेस्ट राइट हैंड साइड पे ही है, यहां पे लिखा है मैंने, इक्वल टू कर दिया मैंने, राइट। अब मैंने क्या लिखा हुआ है वहां पे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, समझ रहे हो, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो सर इसको भी चेंज कैसे किया आपने, आपने तो इक्वल टू साइन के लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया, आपने इक्वल टू साइन लेफ्ट हैंड साइड पे ले लिया, ध्यान देना सामने बता रहा हूं, बाद में चैट करो, ध्यान दो सामने। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये इक्वल टू साइन है, ये इक्वल टू साइन लिख दिया, आई को मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे लेना है, यहां पे क्या है, आई का साइन क्या है, आई का साइन प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है उसके बाद, मुझे अमाउंट जो है, इस अमाउंट को मुझे इस साइड पे लेना है, यानी कि इक्वल टू साइड के राइट हैंड साइड पे, पहले ये लेफ्ट में था, उसका साइन क्या है, बाय डिफॉल्ट प्लस है, साइन नहीं मतलब बाय डिफॉल्ट प्लस है, ये भी हो जाएगा माइनस, राइट। एट द सेम टाइम जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल मुझे वहीं रखना है, राइट, प्रिंसिपल मुझे वहीं रखना है राइट हैंड साइड पे, तो इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा प्लस पी, बिकॉज यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट प्लस है। सर कुछ समझा नहीं, बना नहीं कुछ, सर क्यों नहीं बना, बिकॉज दो साइन आपने माइनस में रख दिए है। अब सब की साइन चेंज करो, जब मैं बोलता हूं मुझे इस आई को, इस आई की साइन चेंज करनी है, इसका मतलब मैं सिर्फ आई की साइन नहीं चेंज करूंगा, मैं पूरे इक्वेशन की साइन चेंज करूंगा, जितने भी टर्म्स है सबके साइन चेंज होंगे। तो ये माइनस आई था, इसको मैंने प्लस आई कर दिया, ये माइनस ए था, इसको मैंने प्लस ए कर दिया, और ये प्लस पी था, उसको मैंने माइनस पी कर दिया। देखो इसकी साइन चेंज हो गई, इसकी साइन चेंज हो गई, इसकी साइन भी चेंज हो गई, हो गया आपका आंसर आ गया। मतलब इसी चीज को मैंने रीअरेंज किया है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट नंबर 5 या 6 होगा ये अपना दो दिन में से। A इज इक्वल टू पी प्लस आई, कंसेप्ट क्लियर है ये वाला, राइट, समझा है कि अमाउंट में प्रिंसिपल भी आएगा, इंटरेस्ट भी आएगा, राइट, एक LHS है, एक RHS में है, दो टर्म्स RHS में है। अब मुझे इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट को मैं ले लूंगा लेफ्ट साइड पे, तो ये प्लस आई है, तो यहाँ माइनस आई हो जाएगा, राइट, यहाँ पे A लेफ्ट हैंड साइड पे, उसको राइट हैंड साइड पे लेना है, तो ये माइनस A हो जाएगा, P एज इट इज रखना है, तो प्लस P हो जाएगा। बट सर अब ये माइनस में आ रहा है, इसको चेंज करते हैं, तो क्या मैं इसको सिर्फ चेंज कर सकता हूँ, या सिर्फ इसको, या सिर्फ इसको, नहीं, आपने अगर साइन चेंज करनी तो सबकी साइन चेंज करनी है आपने, इसकी भी करोगे, इसकी भी करोगे, इसकी भी करोगे, दोनों साइड पे साइन चेंज करनी है, हर टर्म की साइन चेंज करनी है। माइनस आई हो गया प्लस आई, माइनस ए हो गया प्लस ए, प्लस पी हो गया माइनस पी, आपका आंसर आ गया। जिनको लिखना है लिख लो, बेसिक कंसेप्ट है, अलग से लिख लेना। गाइस समझ आ रहे हैं बेसिक्स, जिन लोगों को मैथ से डर लग रहा था, अभी बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं आपके, जो कंपलसरी बेसिक्स में यहां पढ़ा रहा हूं, आप सोचो अभी तो जो हम बेसिक लेक्चर देखेंगे उसमें हम इससे भी डीप जाने वाले हैं, आपको इतना डीप में फाउंडेशन लेवल पे कोई नहीं पढ़ाएगा। टीचर्स यूजुअली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, काफी टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो यूजुअली बोल देते कि ठीक है 11th 12th करके आए हो ना तुम लोग, उसमें मैथ्स पढ़ लिया होगा, आगे बढ़ते हैं, फाउंडेशन स्टार्ट करते हैं। अरे अबे दादा क्या बात है, जूम सेशंस में थे आप, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, अबे कांग्रेचुलेशंस बेटा, कोई भी जरूरत पड़े इंटर फाइनल में तो जरूर बताना। कंसेप्ट क्लियर बेटा, हाँ या ना, यस। ऐसे स्टूडेंट्स हो गए ना यहाँ पे जिनको ये चीज नहीं पता थी, या ये चीज भूल गए थे, या इसमें दिक्कत जा रही थी कि कैसे कन्वर्ट करना है। आई एम श्योर एक स्टूडेंट तो जरूर होगा यहाँ पे ऐसा, यस। फॉर्मूला देख लिए हमने, एक क्वेश्चन देता हूं आपको सॉल्व करने के लिए, आप लोग सॉल्व करोगे, आप लोग सॉल्व करोगे। जो स्टूडेंट बेसिक अटेंड करने वाले हैं, यहां पे जो मैं बेसिक बताऊंगा ये बेसिक वहां नहीं होगा वापस से, ये बेसिक वहां पे जस्ट शॉर्ट में कवर होगा। क्वेश्चन लिखना, किसका नाम लिए, आदित्य, अरे क्वेरी थी सर कैलकुलेटर विच कंटेन्स
एम ये टैक्स प्लस टैक्स माइनस, ये अलाउड नहीं है बेटा, नॉट अलाउड। आदित्य डिपॉजिटेड रुपीज 50,000 इन बैंक। आपने सोल्यूशन में मुझे बताना है। देखो हम लोग अभी तक स्कूल में कॉलेज में कैसे सॉल्व करते थे, फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट किए वैल्यूज और फिर सॉल्व किया। यहां जरूरत है क्या वैसे करने की? नहीं, एक दो क्वेश्चन के लिए जरूरी है। व्हाई? बिकॉज एग्जाम के टाइम पे जब आप रिवाइज करोगे आपको समझ नहीं आएगा आपने क्या किया हुआ है, तो आप एक दो क्वेश्चन प्रॉपर पूरी तरीके से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एज एन हाउ यू प्रोसीड, आपको कैलकुलेटर पे या फिर विथ रफ वर्क थोड़ा बहुत इधर लिख के आंसर सॉल्व करते आना चाहिए। समझ रहे हो बात को? हाँ आना, ठीक है। कार्तिक पूछ रहा है सर बेसिक के लिए अलग से रजिस्टर करना पड़ेगा क्या? नहीं, कुछ अलग से वगैरह रजिस्ट्रेशन नहीं है, यहीं पे है। जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक आ जाएगी, जिन लोगों ने नहीं लिया हुआ है, ये रिकॉर्डिंग जो खत्म हो जाएगा, ये रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद यहीं पे मैं डाल दूंगा लिंक को, ठीक है। कमेंट बॉक्स में चेक कर लेना, लिंक मिल जाएंगे, वहां पर आ जाना बेसिक बैच के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यार रुको ना, मैं लिंक तुरंत शेयर ही कर देता हूँ। इस लिंक को आप नोट डाउन कर लो, आपके पास कहां तो सेव कर लो, कमेंट बॉक्स में से मिस आउट हो जाएगी। इसी पे हमारा हो जाएगा लाइव बैच, ठीक है। यस जैन, आपका इंटरेस्ट अमाउंट गलत आया है बेटा, चेक करो फिर से। आकाश कुमार, आपका अमाउंट भी गलत आया हुआ है, चेक करो फिर से, सॉल्व करो, 2 मिनट देता हूं। अरे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकालना है बेटा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है सुरजादीप, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं। एग्जाम में गलती होती है, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर 90% क्वेश्चन आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। काफी लोग ऐसे भी हो गए जो बोलेंगे सर कंपाउंड इंटरेस्ट लिख लिया, बट एग्जाम में क्वेश्चन में सिंपल इंटरेस्ट लिखाऊंगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ है मतलब सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वैसे फॉलो करना है, राइट। यहां मैं आपको बता रहा हूँ स्पेसिफिकली कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, सिंपल इंटरेस्ट है। तभी भी 2-3 स्टूडेंट ने कंपाउंड इंटरेस्ट वाला आंसर दिया है, ठीक है। टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा लिंक, डोंट वरी। जो स्टूडेंट्स डेमो देख रहे हैं, जो टेस्ट कर रहे हैं कि इस इंसान को पढ़ाने आता है क्या नहीं आता है, उन लोगों के लिए मैंने लिंक यहाँ डाली है, बाकी के लोग आ जा सकते हैं डायरेक्टली टेलीग्राम से, ठीक है। अरे राहुल कुमार, अभी ज्वाइन नहीं करना है, उस लिंक पे बाद में ज्वाइन करना है, अभी ज्वाइन करके कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी वहां ज्वाइन करोगे तो यही लेक्चर वहां भी चल रहा है। डन, झिपा ओ गाँव वालो, आंसर आया है क्या? देखो सिंपल सी चीज़ है, कैलकुलेटर यूज़ करो, अननेसेसरी लिखना ही नहीं है, कैलकुलेटर यूज़ करो। इजी क्वेश्चंस में क्या करोगे, कैलकुलेटर पे 50,000 लिखोगे पहले, इन टू क्या करोगे, पॉइंट कितना है 5.5% या फिर 0.055 लिखता हूँ, इन टू 2 करोगे, राइट। कितना आ रहा है देखो, 50,000। देखो आप क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो आप, 50,000 लिख लिया, 50,000 इंटू 5.5% इंटू 2 ये किया तो भी 5,500 आ रहा है, 5,500 आ रहा है। अगर आपने 50,000 इंटू 0.055 इंटू 2 कर लिया तो आपको परसेंटेज प्रेस करने की जरूरत नहीं है, तभी भी आपका आंसर 5,500 आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेटर नहीं दिखा रहा हूँ बिकॉज सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने इसके पहले ऑलरेडी कैलकुलेटर दिखाया हुआ है। जहां चीजें चेंज होगी मैं कैलकुलेटर पर पूरा कैलकुलेशन दिखा दूंगा यहाँ पे जूम करके कुछ इस तरीके से, सो दैट आपको सब चीजें समझने आ जाएंगी। कैलकुलेटर दिख जाएगा ना तो समझने का कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपको उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ आपको आदित्य 55,500 रुपीज मिलेंगे 2 साल के बाद, ठीक है।
चलो तो कितना आ रहा है ये, 5,500। अब अगर मुझे अमाउंट निकालना है, क्या मैं कर सकता हूँ, अमाउंट में सीधा 50,000 प्लस 5,500, दैट विल गिव यू 55,500। ये तो ठीक है, बट मैं चाहता हूं कि आप अमाउंट का फॉर्मूला यूज करें। अज्यूमिंग आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में सिर्फ अमाउंट पूछा हुआ है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने में टाइम क्यों वेस्ट करना। आप कर सकते हो, वो भी इजी है, ये निकाल दो उसमें प्लस 50,000 ऐड कर दो। बट अगर मुझे डायरेक्ट निकालना है, डायरेक्ट निकालना है तो कैसे निकलेगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस NR, राइट। कितना है, 50,000 है ये, इंटू दी ब्रैकेट 1 प्लस N कितना है, 2 है, R कितना है, 0.055 है। करो कैलकुलेटर पे सॉल्व, बताओ कैसे सॉल्व करोगे ये फटाफट, बिना अपनी नोटबुक को यूज किए, बिना पेन पेंसिल को यूज किए इसको सॉल्व करो कैलकुलेटर पे। 55,500 ही आएगा, बट मुझे आप यूज करके दिखाओ कैसे कर रहे हो, क्या करना चाहिए आपने पहले, पहले 50,000 टाइप करोगे या पहले इसको सॉल्व करोगे। ये बहुत बड़ी चीज है, ये बेसिक का ही पॉइंट है, ये बेसिक की ही चीज है, बेसिक में कैलकुलेटर कैसे सॉल्व करना ये भी कवर होता है। तो कैलकुलेटर पे इस पूरी चीज को, इस पूरे चीज का आंसर कैसे निकालना है ये भी देखना है। तो आप ट्राई करो, पहले 50,000 टाइप करो, इंटू 1 टाइप करो, इंटू 2 टाइप करो, इंटू 0.055 टाइप करो, आपका आंसर नहीं आएगा, आपका आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज ब्रैकेट सॉल्व करना है, आपको पता है आंसर क्या आना चाहिए, करके देखो ना आंसर आ रहा है क्या। तो आपने पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, बट अगर आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हो तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो या तो माइंड में याद रखो या तो लिख लो, हमें दोनों भी नहीं यूज करना है, हमें हमारे दिमाग के ऊपर भरोसा नहीं करना है। सर क्या बात कर रहे हो, हाँ क्यों, एग्जाम में जब आप रहते हो, आप जब एग्जाम में बैठोगे आपके दिमाग के ऊपर प्रेशर होगा, फटाफट सॉल्व करना है, फटाफट सॉल्व करना है, उसमें आप गड़बड़ कर बैठोगे। आप कितने भी होशियार हो, आज ये चीज आपको नहीं समझेगी, आपको ये चीज एग्जाम में समझेगी, आपके माइंड के ऊपर प्रेशर आता है। और उस प्रेशर सिचुएशन में मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि दिमाग का इस्तेमाल जितना कम हो उतना करें। ये चीज आप लिख भी सकते हो, दिमाग में भी डाल सकते हो, हमें दोनों भी नहीं करना है, हमें दोनों भी नहीं करना है, हमें उसके अलावा सब कुछ कैलकुलेटर पे करना है। सर कैसे, दिखाता हूं, सर कैसे दिखाता हूं, ध्यान देना। कैलकुलेटर दिख रहा है सबको मेरा, यस। पहली चीज समझ लेना कि हमें जो ब्रैकेट में दिया हुआ था 1 प्लस 2 इंटू 0.55, मैं वापस स्क्रीन पे आता हूं, ध्यान देना बेटा, पहली चीज ध्यान देना, आपने करना क्या है, ये सब लोग लिखेंगे बाद में, अभी नहीं बाद में लिखेंगे। देखो आपने क्या करना है, पहले इस चीज को सॉल्व करना है नंबर 1, फिर इस चीज को सॉल्व करना है नंबर 2, और फिर इस चीज को सॉल्व करना है नंबर 3। कैलकुलेटर स्टेप्स बता रहा हूं मैं, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप। जिनको समझा है ट्राई करो, जिनको नहीं समझा है ध्यान देना। पहले आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड पे स्टेप 1 क्या है, 2 इंटू 0.055, ये ले लिया मैंने, 2 ले लिया यहां पे, इंटू कर दिया 0.055, इक्वल टू कर लो, ऐसा कुछ आएगा, कितना है 0.11 दिख रहा है आपको शायद, राइट। इसके बाद क्या करोगे, इसमें प्लस 1 करोगे, इक्वल टू करोगे, कितना आ गया 1.11 आ गया, राइट। अब क्या करोगे, तीसरी स्टेप क्या है, इंटू कितना करना है 50,000, ये ले लिया इंटू और कर लिया 50,000, प्रेस करो इक्वल टू, आ गया क्या 55,500। क्या मुझे यहां पे कुछ भी लिखने की जरूरत पड़ी, क्या मुझे कोई भी अमाउंट हमारे माइंड में सेव करने की जरूरत पड़ी, बिल्कुल नहीं, सीधा डायरेक्ट कैलकुलेटर पे, कैलकुलेटर शॉर्टकट, सीधा डायरेक्ट कैलकुलेटर पे आ रहा है क्या, देखो 55,500, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, जिनको ट्राई करना है ट्राई कर लो, हो गया है तो डन करके बता देना। सन्या समझ गया बेटा आपको, सबको जमा क्या, जिसको नहीं समझाइए समझ लो वापस से मेरे पास से, पूछ लो मुझे अगर चाहिए वापस, तो नहीं समझा है तो, वैसे मैंने दो बार एक्सप्लेन किया हुआ है, आपने स्टेप को लिखना है, ये चीज हर इंसान लिखेगा और ब्रैकेट में लिखेगा कैलकुलेटर स्टेप, बिकॉज ये तो बहुत छोटे लेवल का कैलकुलेटर शॉर्टकट है, ऐसे तो बहुत चीजें यूज करनी है। तो आपको कभी भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है, आपने पहले इसको उठाना है मल्टीप्लीकेशन डिविजन वाले को, फिर एडिशन वगैरह करना है, सब्सट्रैक्शन करना है उसमें, और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट खोल के। कंसेप्ट क्लियर है, हाँ या ना, चलो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं सिंपल इंटरेस्ट में से, अगर आया तो, सिंपल इंटरेस्ट में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, अगर आया तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपको। क्वेश्चन लिखना सब लोग, अमाउंट जो दिया है आपको वो है 1050, प्रिंसिपल जो दिया है ये है 1000, एन जो दिया हुआ है ये है 0.5, और आर जो है ये हमें निकालना है।
योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, गो फॉर इट फास्ट। जिसका आर आ गया होगा आप मुझे बता दोगे क्या आया है, चैट बॉक्स में आपको डालना है। जिनका आर आ चुका है विश्वजीत, बताऊंगा सही टाइम आने पे। यस प्रदीप, करेक्ट। वेट करो कुछ दिन, टाइम मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ जाएगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। हिमांशु, पार्टी टाइम आ गया तुम्हारा WRO नंबर, पार्टी चाहिए पार्टी। अरे नाले को ऑप्शन देखो ऊपर क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में 1% है क्या जो तुम आंसर 1% बता रहे हो, मतलब एग्जामिनर को तुम लिख के आओगे? नहीं, तुम्हारा आंसर गलत है, मैं जो बोल रहा हूं वो सही है। हाँ मीत शाह, आप कुछ नहीं करे, आप पढ़ाई पे ध्यान दे, बस आ जाएगा WRO नंबर आपका। जिंदगी के अंदर में 7% ला कहां से रहे हो तुम? ऑप्शन में दिख रहा है क्या तुमको 7%? फिर कहां से आया ये 7%? चिल्ला नहीं रहा हूं, समझा रहा हूं। हाँ CRO, NRO, SRO, ERO, WRO जो भी आएंगे, इसके लिए मैं बोलता हूं SRN, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर। 14% स्टूडेंट्स का आंसर आया है 5%। तुम्हारा कैलकुलेटर खराब है या तुमको कंसेप्ट नहीं समझा है? अगर तुम्हारा दोस्त जो है यही सबसे खराब है तो समझ लो तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। यहां पे इस दोस्त को संभाल के रखना है, इसको ट्रेन करना है हमने कि इसको कैसे यूज करना है, राइट? मैं आपको बोलता हूं एग्जाम में एक हाथ से कैलकुलेटर, एक हाथ से आपकी पेन, इस तरीके से आपका काम होना चाहिए, ठीक है? एग्जाम में आपको रफ वर्क करने के लिए पेपर जरूर दिया जाता है, बट काफी सेंटर्स पे पेपर कैसा होता है पता है क्या? एक फ्रंट पेपर फुल स्केप और पीछे फुल स्केप, मतलब A4 साइज का पेपर आगे और पीछे, फ्रंट एंड बैक, बस इतना ही होता है। हालांकि आपको 4-5 पेजेस लग सकते हैं, आप अलग से सप्लीमेंट मांग जरूर सकते हो, बट कुछ सेंटर्स नहीं देते हैं। तो चाहिए तो आप आदत डाल दो पेंसिल से लिखने की। उसमें भी क्या करने का पता है, अगर ये आपका A4 साइज पेपर है ना, तो इसको आड़ा करने का मतलब लैंडस्केप करना है इस चीज को, लैंडस्केप मतलब ये ऐसा हो जाएगा, राइट? उसमें ना कॉलम बना लो, 4-5 कॉलम बना लो ऐसे, और यहां पे पेंसिल से सॉल्यूशंस करो। तो ये और ये, जब छोटी जगह होती है ना, हम कब यूज करते हैं? हम कम चीज यूज करते हैं, जब ज्यादा जगह मिली हमने तो हम वहां पे बहुत सारे कैलकुलेशन करते हैं, तो इसको छोटा कर देने का, और यहां पे फटाफट कैलकुलेट करना है। और ये खत्म होने बाद मतलब 8 कॉलम मिल गए या 10 कॉलम मिल गए आपको, दोनों साइड पे 4-4 या 5-5, इस चीज को खत्म करने के बाद आपने क्या करना है, इस चीज को खत्म करने के बाद अगर और जगह चाहिए इसको इरेज करना है, इरेजर के साथ इरेजर लेके जाना एग्जाम में, पेंसिल लेके जानी है और वहां से यूज करना है। तो इसकी आदत आप अभी से भी डाल सकते हो, बाद में भी आप इसको करवा सकते हो, मैं आपको टेस्ट वगैरह के टाइम पे जरूर ये चीज करवाऊंगा, ठीक है? चलो यहां तक सॉल्व हुआ है क्या? हाँ या ना? जिनका ये क्वेश्चन हो गया है, जिनका ये क्वेश्चन हो गया है, एक और क्वेश्चन देता हूं सॉल्व करने के लिए। सर उसका आंसर बताऊंगा यार, सब बताऊंगा, आप ये क्वेश्चन लिख लो। मुन्ना इन्वेस्टेड रुपीज 70,000 इन केसी बैंक, आर इज इक्वल टू 6.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है। मुन्ना रिसीव्स रुपीज 85,925 एट द एंड,
एट द एंड ऑफ व्हाट? वी डोंट नो. आपने फाइंड करना है एन, यानी कि नंबर ऑफ पीरियड्स या नंबर ऑफ ईयर्स. गो फॉर इट फास्ट. ट्राई करो, 5 मिनट देता हूं. जिनका पहला क्वेश्चन भी बाकी है उसको भी ट्राई करो.
क्या हो गया सर, कहाँ गए? मैं यहीं हूँ। अरे आकाश कुमार, क्लास इतना ही चलेगा, 1.5 घंटे का क्लास है अपना, 1 आवर 35 मिनट्स ही हुए हैं। एन कितना आ रहा है आप लोगों का? 3.5 ईयर्स आ रहा है। ओके चलो एक काम करते हैं, क्लास सच में ही 5-8 मिनट्स लंबा हो गया है, डू नॉट वरी। जिनका ये क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन हो चुका है आप लोग क्लास को लीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें बेसिक भी स्टार्ट करना है, तो मैं काम करता हूँ, क्लास आज यहीं पे स्टॉप करता हूँ। क्लास कल क्लास चालू करते से इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। जिनका नहीं हुआ है, कंसिडर दिस एज होमवर्क एंड डू इट। साक्षी मैं एक्सप्लेन करूंगा। कल क्लास चालू करते ही हम पहले रिवाइज करेंगे, अभी तक जो भी हुआ है ये 2 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे, ठीक है? चलो, जिनका एन 3.5 आया है करेक्ट है, जिनका इस क्वेश्चन में आर 10% आया है करेक्ट है, बाकी के लोग ट्राई करो, ठीक है? 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट भी नहीं, अभी कितना, इट इज 3:48 इन माई वॉच, 3:55 और 4 o'clock वी विल स्टार्ट विद बेसिक्स। क्लास ओपन कर दिया है मैंने गूगल मीट का, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।